गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जो भी मुझे जब भी सुन रहा है उसके अकॉर्डिंग। तो बच्चे, आज हम लोग अपने लेक्चर नंबर 19 पे आ चुके हैं, लेक्चर नंबर 19। और बच्चे, हम लोग बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के बारे में पढ़ रहे थे। तो बच्चे, लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ रखा है, पहले हम लोग वो डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि जो हम लोग ये बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं, वो बच्चे हम लोग अपने डिफरेंसेस को रिकंसाइल करने के लिए बनाते हैं। जो भी मेरे कैश बुक के बैंक कॉलम में जो ट्रांजैक्शंस आ रहे हैं और बच्चे जो मेरे पासबुक में जो ट्रांजैक्शंस आ रहे हैं, तो कभी कभी क्या होता है, उन दोनों ट्रांजैक्शंस में, मतलब जो हमारे बैलेंसेस निकल के आते हैं एज पर कैश बुक और बच्चे एज पर पासबुक, वो अगर डिफर कर रहे हैं, अगर उन दोनों में डिफरेंस है, तो बच्चे हम लोगों को ये रीजंस को पता करना पड़ता है कि बच्चे ये डिफरेंसेस किस वजह से अराइज हो रहे हैं। तो उन डिफरेंसेस को मैं ढूंढ के एक स्टेटमेंट में लिखता हूं, उस स्टेटमेंट का नाम मैं क्या रख देता हूं, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो बच्चे, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट विच इज प्रिपेयर्ड टू रिकंसाइल द डिफरेंस बिटवीन बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक एंड बच्चे पासबुक। तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जो होता है, वो बच्चे एक स्टेटमेंट होता है, वो किसी भी तरीके का अकाउंट नहीं होता है। और बच्चे, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कौन बनाता है, हम लोग बनाते हैं, कभी भी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट नहीं बनाती है, ठीक है। वो कौन बनाता है, कस्टमर बनाता है। फिर हम लोगों ने समझा था कि जो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट होता है, ठीक है, तो उसमें डिफरेंसेस किस वजह से अराइज होते हैं, एक तो बच्चे होता है टाइमिंग डिफरेंस, एक होता है एरर ऑफ रिकॉर्डिंग। तो हम लोगों ने दो तरीके के टाइमिंग डिफरेंसेस पढ़े थे, एक तो होता था चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड, और बच्चे चेक इशूड फॉर पेमेंट, चेक इशूड बट नॉट डेबिटेड, मैं कह सकता हूँ चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, वो मेरे क्या होते थे, टाइमिंग डिफरेंसेस होते थे। और एरर ऑफ रिकॉर्डिंग मतलब मैं रिकॉर्ड करना चेक को भूल गया, या फिर मैंने किसी चेक को दो बार रिकॉर्ड कर लिया, ये सब मेरे एरर ऑफ रिकॉर्डिंग होते थे। फिर मैंने आपको बताया था कि जो मेरे डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक होता है, जो मेरा डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक होता है, वो बच्चे बराबर किसके होता है, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक इज इक्वल टू क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। तो बच्चे, इसको हम लोग क्या बोलते थे, फेवरेबल बैलेंस, इसको हम लोग क्या बोलते थे, फेवरेबल बैलेंस। और इसके बाद हमने समझा था जो मेरा क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक है, वो हमेशा हमारे किसके इक्वल होगा, डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक के। तो बच्चे, इन बैलेंसेस को मैं क्या बोलता था, मेरा ओवरड्रॉन बैलेंस, ठीक है। अगर ओवरड्रॉन बैलेंस, या फिर मैं बोल सकता हूं अनफेवरेबल बैलेंस। तो बच्चे, समझने की कोशिश करना, जो मेरा डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक है, वो बच्चे बराबर किसके होना चाहिए, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। और क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक है, तो बच्चे बराबर किसके होना चाहिए, डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक के, ये इक्वल होना चाहिए। अगर बच्चे ये बैलेंसेस इक्वल नहीं, तो मतलब उनमें क्या है, कुछ डिफरेंस है। और उन डिफरेंसेस को मैं किस स्टेटमेंट में लिखता हूँ, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में मैं लिखता हूँ। फिर हम लोगों ने बहुत सारे ट्रांजैक्शंस को समझा था, बहुत सारे ट्रांजैक्शंस की मीनिंग को समझा था। फिर मैंने आपको एक क्वेश्चन भी कराया था। तो बच्चे, मैं आज की क्लास को और आगे लेकर चलता हूँ। तो अभी तक मैंने आपको डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक को बहुत अच्छे से समझा रखा है, ठीक है। एक एक ट्रांजैक्शन को मैंने बहुत अच्छे से समझाया था। तो उसी से रिलेटेड पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराना चाहता हूं। तो आप लोग आ जाओ मेरे साथ क्वेश्चन नंबर 1 पे। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या दे रखा हुआ है, प्रिपेयर अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स एज ऑन 31st March 2018। तो डेबिट बैलेंस एज पर बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक, मेरे को क्या दे रखा है, डेबिट बैलेंस एज पर बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक कितना, 18,60,000 रुपीज। फिर दे रखा है चेक इशूड टू क्रेडिटर्स बट नॉट येट प्रेजेंटेड टू द बैंक फॉर पेमेंट, 3,60,000 रुपीज। डिविडेंड रिसीव्ड बाय बैंक बट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक, 2,50,000 रुपीज। इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, 6,250। चेक डिपॉजिटेड इन टू बैंक फॉर कलेक्शन बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक अप टू दिस डेट, 7,70,000।
उसके बाद बैंक चार्जेस नॉट एंटर्ड इन कैश बुक 1000, अ चेक डिपॉजिटेड इन टू द बैंक वॉज डिसऑनर्ड बट नो इंटीमेशन रिसीव्ड रुपीज 1,60,000, बैंक पेड हाउस टैक्स ऑन आर बिहाफ बट नो इंटीमेशन रिसीव्ड फ्रॉम बैंक इन दिस कलेक्शन रुपीज 1,75,000। और बच्चे ये क्वेश्चन हमारा ICI के जो RTP मे 20 है उसमें आ चुका है। तो ये क्वेश्चन मैंने ICI के जो RTP है मे 20 उससे ले रखा हुआ है। तो जब मैंने क्वेश्चन को रीड आउट करा तो बच्चे मैंने सबसे पहले देखा कि मेरे को जो दे रखा है वो डेबिट बैलेंस एज पर कैशबुक का क्वेश्चन दे रखा हुआ है। तो जब मैंने आपको एक फॉर्मेट लिखाया था लास्ट क्लास में बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट का, तो मैंने आपको कुछ आइटम्स ऐड पे बताए थे, कुछ आइटम्स आपको लेस करने के लिए बता रखे थे, ठीक है। कुछ आइटम्स मैंने आपको ऐड करने के लिए बताए थे और कुछ आइटम्स लेस करने के लिए बताए थे, और बच्चे मैंने आपको डेबिट बैलेंस एज पर कैशबुक या फिर पासबुक का फॉर्मेट भी बताया था। तो मेरे को उस फॉर्मेट को याद रख के मेरे को मतलब जल्दी जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करनी है। हम लोग समझेंगे भी बट बच्चे मेरे को अपनी स्पीड भी मेंटेन रखनी है। तो चलो हम लोग पहले इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो शुरू करने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा क्वेश्चन नंबर 1 और मैंने यहाँ पे लिखा बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज एट, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज एट 31st March 2018। फिर मैंने यहां पे लिखा पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीस, ठीक है, पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीस। इसके बाद मैंने क्या करा, कुछ कॉलम्स ड्रॉ कर लिए। तो आप लोग भी जल्दी से कॉलम्स को ड्रॉ कर लीजिए। तो आप लोगों ने कॉलम्स को ड्रॉ कर लिया होगा। तो चलो बच्चे इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मेरे को क्या दे रखा हुआ है, डेबिट बैलेंस एज पर बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक। तो मैंने यहां पे लिखा डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। बच्चे कितना बैलेंस दे रखा हुआ है, 18,60,000 रुपीस। इसके बाद मैंने कुछ आइटम्स ऐड करने हैं, तो मैंने यहाँ पे लिखा ऐड, और बच्चे 4-5 लाइन छोड़ के मैंने यहाँ पे लिखा लेस, ठीक है, ऐड और लेस। तो कुछ आइटम्स मेरे को ऐड करने हैं, कुछ आइटम्स मेरे को लेस करने हैं। तो चलो एक एक ट्रांजैक्शन को रीड आउट करते हैं और देखते हैं मेरे को कौन कौन से ट्रांजैक्शंस ऐड करने हैं और कौन कौन से ट्रांजैक्शंस को मेरे को लेस करना है। तो क्या दे रखा हुआ है, चेक इशूड टू क्रेडिटर्स बट नॉट येट प्रेजेंटेड टू द बैंक फॉर पेमेंट। तो बच्चे मैंने चेक इशू कर रखी है अपने क्रेडिटर्स को, अपने सप्लायर्स को, बट उन लोगों ने अभी तक चेक को बैंक में प्रेजेंट नहीं कर रखा है पेमेंट के लिए। तो समझने की कोशिश करना, मैंने क्या करा होगा, चेक्स को रिकॉर्ड कर लिया होगा अपने पेमेंट साइड ऑफ द कैश बुक में, मतलब क्रेडिट साइड ऑफ द कैश बुक में, ठीक है। उसके बाद वो चेक्स पासबुक में अभी अपियर नहीं हो रही है क्योंकि बैंक में अभी तक प्रेजेंट नहीं हुई है पेमेंट के लिए। तो मतलब मैंने अपने कैश बुक में पेमेंट साइड में लिख लिया, तो मेरा जो कैश बुक का बैलेंस आ रहा होगा वो बच्चे कम आ रहा होगा। मैं कहां पे जा रहा हूं, कैश बुक से पासबुक में जा रहा हूं। तो बच्चे मेरे को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा टू टैली द बैलेंस ऑफ कैश बुक विद द पासबुक। तो मैं यहां पे क्या करूंगा, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। तो हमें अपनी स्पीड को मेंटेन रखना है, तो मैंने यहाँ लिखा 3,60,000 रुपीज, ठीक है। ये तो हो गया, जब हम एग्जाम में सॉल्व करेंगे तो ऐसे फटाफट लिख देंगे चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। बट बच्चे अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, चीजों को समझ रहे हैं, तो हमें समझते हुए भी चलना है। इसके पीछे का लॉजिक क्या है, तो यहाँ पे मेरे साथ एक छोटा सा वर्किंग नोट बना लेना, वर्किंग नोट नंबर 1। और मैं इस ट्रांजेक्शन को एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको फटाफट से। तो कैश बुक और बच्चे पासबुक, ठीक है। तो कैश बुक का क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे आ रहा होगा और पासबुक का जो क्लोजिंग बैलेंस होगा वो यहाँ पे आ रहा होगा। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, डेबिट बैलेंस, और ये बच्चे क्या रिप्रेजेंट करता है, क्रेडिट बैलेंस। तो डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस हमारा बराबर होना चाहिए। बट बच्चे क्या हुआ, 3,60,000 रुपीज की चेक इशू करी, तो वो मैंने यहाँ पे पेमेंट साइड पर रिकॉर्ड करी। इसकी वजह से क्या हुआ, जो मेरा कैश बुक का बैलेंस आ रहा था वो बच्चे 3,60,000 रुपीज से कम आ रहा होगा। अब बच्चे मेरे को कैश बुक से पासबुक पे जाना है, तो पासबुक का बैलेंस है वो 3,60,000 रुपीज से ज्यादा होगा। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, टैली करने के लिए 3,60,000 रुपीज ऐड करना पड़ेगा, मेरे को 3,60,000 रुपीज ये ऐड करना पड़ेगा, जिससे कि मेरा कैश बुक का बैलेंस और पासबुक का बैलेंस वो क्या हो जाए, टैली हो जाए। तो मैंने क्या करा, यहाँ पे
बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट में 3,60,000 रुपीज को ऐड कर दिया। इसके बाद मेरे को नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या दे रखा है कि डिविडेंड रिसीव्ड बाय बैंक बट नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक। बच्चे मेरे को डिविडेंड रिसीव हुआ और बच्चे बैंक में रिसीव हुआ तो बच्चे बैंक में बैंक वालों ने मेरे अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, बट बच्चे अभी तक मैंने कैश बुक में कोई भी एंट्री नहीं कर रखी है, तो जो मेरा पासबुक का बैलेंस होगा वो बच्चे ज्यादा होगा और कैश बुक का बैलेंस कम होगा। तो मेरे को अपने कैश बुक का बैलेंस इंक्रीज करना पड़ेगा जिससे कि मेरा पासबुक का बैलेंस भी टैली हो जाए। तो बच्चे मैं क्या करूंगा, ऐड करूंगा, मैंने यहां पे लिखा डिविडेंड रिसीव्ड नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। अमाउंट कितना है, 2,50,000 रुपीस, 2,50,000 रुपीस मैंने क्या करा यहां पे ऐड कर दिया। ठीक है, चलो इसको एक बार मैं जल्दी से समझा भी देता हूं। तो मैंने यहां पे लिखा कैश बुक और पासबुक, ठीक है, मेरा यहां पे क्लोजिंग बैलेंस आ रहा होगा, यहां पे क्लोजिंग बैलेंस आ रहा होगा, बैंक में 2,50,000 रुपीस का डिविडेंड आया, तो बच्चे बैंक ने क्रेडिट करा, बट बच्चे मैंने अभी यहां पे अपने कैश बुक में नहीं लिख रखा है, तो बच्चे जो ये बैलेंस आ रहा होगा वो 2,50,000 रुपीस से ज्यादा आ रहा होगा, तो ये मेरा क्या है, रीजन ऑफ डिफरेंस है। तो मेरे को अपने कैश बुक के बैलेंस को पासबुक के बैलेंस से टैली करना है, तो बच्चे ये 2,50,000 रुपीस से लेस है, तो मैंने 2,50,000 रुपीस अगर ऐड कर दिया अपने कैश बुक के बैलेंस में तो बच्चे ये पासबुक के बैलेंस से टैली कर जाएगा। तो बच्चे मैंने इसीलिए इसको क्या करा, 2,50,000 रुपीस को ऐड कर दिया। इसके बाद इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय द बैंक, तो बच्चे बैंक ने मेरे को इंटरेस्ट क्रेडिट करा है, तो मेरा पासबुक का बैलेंस इंक्रीज हुआ बट बच्चे कैशबुक का बैलेंस कम है, तो मेरे को टैली करना है। तो मेरे को कैशबुक का बैलेंस क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा, तो मैंने यहां पे लिखा इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक कितना, 6,250। ठीक है, चलो एक बार इसको मैं समझा भी देता हूं जल्दी से। तो आप लोग आ जाओ ट्रांजैक्शन नंबर 3 पे, ये मेरा क्या है कैशबुक और ये मेरी क्या है पासबुक। ठीक है, मेरा यहाँ पे बैलेंस आ रहा होगा और बच्चे यहाँ पे मेरा क्लोजिंग बैलेंस आ रहा होगा। ठीक है, बैंक ने क्या करा, मेरे को इंटरेस्ट दे दिया 6,250 का, तो वो बच्चे मेरे पासबुक में क्या करा होगा, क्रेडिट करा होगा, बट बच्चे अभी तक मैंने यहाँ पे कैशबुक में रिकॉर्ड नहीं करा है, तो जो ये बैलेंस आ रहा होगा क्लोजिंग का उसमें ये इंटरेस्ट शामिल होगा, मतलब 6,250 से ये ज्यादा होगा, बट बच्चे ये इंटरेस्ट मेरे इस वाले बैलेंस में शामिल नहीं है, तो ये बैलेंस 6,250 से क्या होगा, कम होगा। तो मेरे को कैशबुक से पासबुक में जाना है, तो बच्चे मैं क्या करूंगा, 6,250 अगर इस बैलेंस में, ये वाले बैलेंस में 6,250 ऐड कर दूं तो बच्चे ये वाले बैलेंस से टैली नहीं हो जाएगा, तो मैंने क्या करा 6,250 को ऐड करा। ठीक है, इसके बाद मैं आता हूं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में, चेक डिपॉजिटेड इन टू बैंक फॉर कलेक्शन बट नॉट कलेक्टेड बाय द बैंक अप टू दिस डेट। तो बच्चे मैंने चेक डिपॉजिट करी बैंक में बट बैंक ने अभी तक कलेक्ट नहीं करी है, तो चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड। अमाउंट कितना है, 7,70,000 रुपीस, ये मेरे को क्या करना है, लेस करना है। बच्चे मैंने चेक डिपॉजिट करी बैंक में, ठीक है, मैंने अपने कैशबुक में रिकॉर्ड कर ली, बट बच्चे पासबुक में अभी तक वो चेक्स क्लियर नहीं हुए। मैंने आपको बताया था कि चेक्स क्लियर होने में 2-3 दिन का टाइम लग जाता है, तो बच्चे मैंने चेक डिपॉजिट करी और मैंने अपने कैशबुक में तो रिकॉर्ड कर लिया, बट बच्चे पासबुक में अभी तक क्रेडिट नहीं हुई है, तो मैं क्या करूंगा, लेस कर दूंगा जिससे कि मेरा बैलेंस टैली हो जाए, क्योंकि मेरे कैशबुक का बैलेंस ज्यादा होगा और मेरे पासबुक का बैलेंस कम होगा, तो क्या हो जाए, टैली हो जाए, इसलिए मैंने क्या करा, लेस करा। तो चलो अगर मैं चाहूं तो इसको समझा भी दूं तो 2 मिनट लगेगा, जल्दी से, कैशबुक और ये पासबुक, ठीक है, कैशबुक और ये मेरी पासबुक, यहाँ पे मेरा क्लोजिंग बैलेंस आ रहा होगा, मैंने क्या करा 7,70,000 रुपीज की चेक डिपॉजिट करी और कैशबुक में रिकॉर्ड कर ली। तो बच्चे जो ये चेक्स होंगी वो इस बैलेंस में इंक्लूडेड होंगी, मतलब मेरा जो कैशबुक का बैलेंस होगा वो 7,70,000 रुपीज से ज्यादा होगा, बट बच्चे पासबुक के बैलेंस में अभी तक ये चेक्स नहीं अपीयर हो रही है, तो मेरे को कैशबुक से पासबुक जाना है, तो बच्चे मेरे को इस बैलेंस में, ये वाले बैलेंस में 7,70,000 रुपीज क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा, तो वो बच्चे मैंने यहाँ पे लेस कर दिया। इसके बाद दे रखा है कि बैंक चार्जेस नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक, तो बच्चे बैंक ने मेरे से चार्जेस ले लिए, बैंक ने चार्जेस लिए तो वो मेरे अकाउंट में डेबिट करे,
मेरा पासबुक का बैलेंस कम हो गया, बट बच्चे मेरे कैशबुक का बैलेंस तो ज्यादा होगा क्योंकि अभी तक मैंने बैंक चार्जेस को अपने कैशबुक में रिकॉर्ड नहीं करे। तो बच्चे टैली करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, बैंक चार्जेस को लेस करना पड़ेगा। बैंक चार्जेस कितना है, 1000 रुपीज। बैंक चार्जेस कितना है, 1000 रुपीज। फिर दे रखा है, अ चेक डिपॉजिटेड इन टू द बैंक वॉज डिसऑनर्ड बट नो इंटीमेशन रिसीव्ड। तो चलो इस ट्रांजेक्शन को मैं पहले आपको समझा देता हूं। ये मेरी कैश बुक है और ये मेरी पासबुक है। तो बच्चे चेक डिपॉजिट करी बैंक में और वो बच्चे डिसऑनर हो गई, तो यहां पे मेरा क्लोजिंग बैलेंस आ रहा होगा। ठीक है, यहां पे मेरा क्लोजिंग बैलेंस आ रहा होगा। तो 1,60,000 रुपीज की चेक मैंने यहां पे डिपॉजिट करी, मैंने अपने कैश बुक में रिकॉर्ड करा, बट बच्चे वो चेक क्या थी, डिसऑनर हो गई, तो वो मेरे अकाउंट में क्रेडिट हुई नहीं। मेरे को इंटीमेशन रिसीव हुई कि चेक आपकी क्या हुई है, डिसऑनर हो गई है। तो ये जो बैलेंस है, ये जो बैलेंस आ रहा होगा इसमें 1,60,000 रुपीज इंक्लूडेड होगा, बट बच्चे ये वाले बैलेंस में नहीं इंक्लूडेड होगा। तो अगर मैं कैश बुक से पासबुक जा रहा हूं तो बच्चे मेरे को क्या करना पड़ेगा, 1,60,000 रुपीज लेस करना पड़ेगा। तो मैंने यहां पे लिखा लेस में चेक डिपॉजिटेड एंड डिसऑनर्ड। अमाउंट कितना है, 1,60,000 रुपीज, वो मैंने यहां पे लिख दिया। फिर क्या दे रखा है कि बैंक पेड हाउस टैक्स ऑन अवर बिहाफ बट नो इंटीमेशन रिसीव्ड फ्रॉम बैंक इन दिस कनेक्शन। तो बच्चे बैंक ने मेरे बिहाफ पे हाउस टैक्स पे कर दिया, तो बच्चे मेरा पासबुक का बैलेंस क्या हो गया होगा, कम हो गया होगा अगर बैंक ने पेमेंट करी होगी। बट बच्चे अभी तक मैंने कैश बुक में नहीं रिकॉर्ड कर रखा हुआ है, तो कैश बुक का बैलेंस ज्यादा होगा, पासबुक का बैलेंस कम होगा। तो कैश बुक का बैलेंस मेरे को टैली करना है पासबुक से, तो बच्चे मेरे को कैश बुक का बैलेंस भी रिड्यूस करना पड़ेगा, मतलब लेस करना पड़ेगा। तो मैंने यहां पे लिखा फोर्थ नंबर, हाउस टैक्स पेड बाय बैंक। अमाउंट कितना है, हाउस टैक्स पेड बाय बैंक कितना, 1,75,000 रुपीज। ठीक है, तो बच्चे मैंने यहां पे सारे के सारे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर लिया। तो ऐड वाले आइटम्स को मैंने ऐड करा तो ये कितना टोटल आ जाएगा, तो बच्चे जो ये टोटल आ रहा है वो कितना आ रहा है, 3,60,000 प्लस 2,50,000 प्लस 6,250, 6,16,250 रुपीज। और बच्चे जो लेस का टोटल आ रहा है वो कितना आएगा, 7,70,000 प्लस 1,000 प्लस 1,60,000 प्लस 1,75,000। तो बच्चे ये कितना हो गया, 11,06,000 रुपीज को मेरे को क्या करना है, लेस करना है। तो जो मेरा क्लोजिंग बैलेंस आएगा, तो बच्चे डेबिट का किस में आता है, क्रेडिट में आता है, तो मैंने लिखा क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। तो बच्चे कैश बुक का किस में आएगा, पासबुक में आएगा, तो मैंने यहां लिखा क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, वो बच्चे कितना आ जाएगा यहां पर, तो मैंने ऐड करा 18,60,000 प्लस 6,16,250 माइनस 11,06,000 रुपीज। तो ये बच्चे आ रहा है 13,70,250 रुपीज मेरा क्या आ रहा है, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। तो मेरा डेबिट का क्रेडिट में आया और कैश बुक का पासबुक में आया। कभी कभी डेबिट का डेबिट में आ सकता है, कभी कभी डेबिट का डेबिट में आ सकता है, वो बच्चे मैं आपको आज ही बताऊंगा। आपको क्लास के एंड में पे चलते चलते मैं ये चीज भी समझाऊंगा, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, ये कैसे एक्सेप्शन पॉसिबल हो सकता है। तो अभी के लिए क्या है, डेबिट का क्रेडिट में आएगा, कैश बुक का पासबुक में आएगा, ये चीज मेरे को पता है। तो मैंने अपना क्वेश्चन नंबर 1 यहां पे सॉल्व कर लिया। तो चलो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 5, तो कैश बुक ऑफ मेसर ABC शोज ₹27,570 एज द बैलेंस एट बैंक एज ऑन 31st March 2017, बट दिस डस नॉट agree with the balance as per the bank statement. On scrutiny, following discrepancies were found. तो बच्चे क्या discrepancies मिली मेरे को, तो मेरे को पहले तो एक चीज मैंने नोटिस करी, जो ये बैलेंस दे रखा है वो बच्चे मेरे को क्या दे रखा है, डेबिट बैलेंस दे रखा है। तो बैलेंस एट बैंक का मतलब क्या हुआ, डेबिट बैलेंस। जब तक क्वेश्चन में लिखा नहीं है कि ये अनफेवरेबल बैलेंस है या फिर क्रेडिट बैलेंस है, तब तक मैं अज्यूम नहीं कर सकता हूं कि ये मेरा क्रेडिट बैलेंस है या फिर अनफेवरेबल बैलेंस है, ये मतलब क्या है, मेरा डेबिट बैलेंस है। फिर क्या दे रखा है कि सब्सिडी ऑफ ₹10,250 रिसीव फ्रॉम द गवर्नमेंट डायरेक्टली बाय द बैंक बट नॉट एडवाइज टू द कंपनी ऑन 15th मार्च 2017।
द पेमेंट साइड ऑफ द कैश बुक वॉज अंडर कास्ट बाय रुपीज 350. ऑन 20th March 2017 द डेबिट बैलेंस ऑफ रुपीज 2156 एज ऑन द प्रीवियस डे वॉज ब्रॉट फॉरवर्ड एज क्रेडिट बैलेंस इन कैश बुक. अ कस्टमर ऑफ द मेसर ए बी सी हु रिसीव्ड अ कैश डिस्काउंट ऑफ 5% ऑन हिज अकाउंट ऑफ रुपीज 2000 पेड टू मेसर ए बी सी अ चेक ऑन 24th March 2017. द कैशियर एरोनसली एंटर्ड द ग्रॉस अमाउंट इन द कैश बुक. इसके बाद मेरे को क्या दे रखा है, ऑन 10th March 2017 अ बिल फॉर रुपीज 5700 वॉज डिस्काउंटेड फ्रॉम द बैंक एंटर्ड इन कैश बुक बट प्रोसीड्स क्रेडिटेड इन बैंक स्टेटमेंट अमाउंटेड टू रुपीज 5500 ओनली. उसके बाद दे रखा है अ चेक इशूड अमाउंटिंग टू 1725 रिटर्न मार्क्ड आउट ऑफ डेट नो एंट्री मेड इन कैश बुक. इसके बाद इंश्योरेंस प्रीमियम रुपीज 756 पेड डायरेक्टली बाय बैंक अंडर अ स्टैंडिंग ऑर्डर नो एंट्री मेड इन द कैश बुक. अ बिल रिसीवेबल फॉर रुपीज 1530 discounted for rupees 1500 with the bank had been dishonored on 30th March 2017 but advice was received on 1st April 2017. Bank recorded a cash deposit of rupees 1550 as rupees 1505. Aur question mere se kya keh raha hai, bank reconciliation statement bana ke dikha do 31st March 2017 ka. To bachche ye question bhi mera ICI RTP mein 18 mein aa chuka hai. To ho sakta hai aapko aisa question exam mein dekhne ko mil jaye. ठीक है, तो सबसे पहले मैंने एक चीज नोटिस करी कि मेरे को डेबिट बैलेंस दे रखा हुआ है. तो बच्चे मेरे डेबिट का अगर ओपनिंग है डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक है तो मेरा क्लोजिंग में क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक आना चाहिए. तो चलो इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं. क्वेश्चन नंबर फाइव मैंने यहां पे लिखा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज एट 31st March 2017. ठीक है, मैंने यहां पे लिखा पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीस. ठीक है, तो मैंने यहां पे अपने कॉलम्स लिख लिए. अब जल्दी से आप लोग क्या करिए, कॉलम्स को ड्रॉ कर लीजिए. तो बच्चे आप लोगों ने कॉलम्स को ड्रॉ कर लिया होगा. तो चलो मैं इस क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूं. सबसे पहले मैंने क्या लिखा, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक कितना दे रखा हुआ है, 27570. फिर बच्चे मेरे को कुछ आइटम्स ऐड करने होते हैं और कुछ आइटम्स मेरे को क्या करने होते हैं, लेस करने होते हैं. तो मैंने कुछ स्पेस छोड़ के मैंने यहां पे लिखा लेस. ठीक है, मैंने यहां पे क्या लिखा, लेस. तो चलो मैं एक एक ट्रांजैक्शन को रीड आउट करता जाता हूं और साथ में आपको समझाता भी जाता हूं और मैं यहां पे नोट डाउन करता जाता हूं. चलो जी, तो सबसे पहले मेरे को दे रखा हुआ है सब्सिडी रुपीज 10,250 रिसीव फ्रॉम द गवर्नमेंट डायरेक्टली बाय द बैंक बट नॉट एडवाइस टू द कंपनी. तो जो मेरा ये ट्रांजैक्शन नंबर वन दे रखा हुआ है, क्या दे रखा है इसमें, यहां पे मैंने एक वर्किंग नोट बनाया और ट्रांजैक्शन नंबर वन ये मेरी कैश बुक है और ये बच्चे मेरी पासबुक है. ठीक है, यहां पे मेरा क्लोजिंग बैलेंस आ रहा होगा दोनों का. ठीक है, फिर दे क्या रखा है कि सब्सिडी 10,250 को 10,250 की बैंक को रिसीव हुई, मतलब मेरे अकाउंट में क्रेडिट हो चुकी है. 10,250 रुपीज की जो सब्सिडी है वो मेरे अकाउंट में क्रेडिट हो चुकी है, बट बच्चे अभी तक मैंने इसको कैश बुक में नहीं रिकॉर्ड करा. ये जो बैलेंस आ रहा होगा क्लोजिंग, इसमें 10,250 रुपीज इंक्लूडेड होंगे और बच्चे इसमें कम होगा 10,250 से बैलेंस. तो मैं कैश बुक से पासबुक जा रहा हूं, तो बच्चे को मेरे को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा. तो ऐड मैं करूंगा तो मेरा कैश बुक और पासबुक क्या होगा, टैली हो जाएगा. तो मैंने यहां पर लिखा ऐड सब्सिडी received, subsidy received, not entered in cash book. अमाउंट कितना दे रखा हुआ है, 10,250 रुपीज. फिर उसके बाद क्या दे रखा है, ऑन 15th मार्च 2017 द पेमेंट साइड ऑफ द कैश बुक वॉज अंडर कास्ट बाय रुपीज
350। तो चलो इसको भी हम लोग समझते हैं, पेमेंट साइड ऑफ द कैश बुक। तो मैंने यहाँ पे लिखा कैश बुक, और बच्चे मैंने छोटा सा कैश बुक दो लाइन का और पासबुक दो लाइन का ड्रॉ करा है यहाँ पे। यहाँ पे मेरे क्लोजिंग बैलेंस आ रहे होंगे कैश बुक और पासबुक के। अब बच्चे समझने की कोशिश करना, जो मेरा पेमेंट साइड ऑफ द कैश बुक है, पेमेंट साइड जो मेरा ये वाला साइड है, पेमेंट साइड ऑफ द कैश बुक वॉज अंडर कास्ट बाय रुपीज 350। इसका मतलब क्या है बच्चे, जो मेरा टोटल आ रहा होगा, जो मेरे पेज का टोटल आ रहा होगा, वो टोटल आना चाहिए था 10,000 रुपीज का, ठीक है, पेमेंट साइड का। ये पेमेंट साइड का जो टोटल आना चाहिए था वो कितना आना चाहिए था, 10,000 रुपीज का आना चाहिए था, बट बच्चे गलती से मैंने क्या करा, उसको 9650 लिख दिया। तो बच्चे मैंने अपने पेमेंट साइड में 350 रुपीज कम लिख रखे हैं, तो मैं यहाँ पे जब 350 रुपीज पेमेंट साइड पे लिखूंगा, 350 रुपीज जब मैं सही से पेमेंट साइड में लिखूंगा, तो बच्चे जो ये क्लोजिंग बैलेंस है वो 350 रुपीज से लेस हो जाएगा। तो 350 रुपीज से लेस हो जाएगा, तो बच्चे ये वाला बैलेंस मेरा पासबुक के बैलेंस से टैली हो जाएगा। तो मेरे को क्या करना है, लेस करना है। तो मैंने यहां पे लिखा लेस, और यहां पे लिखा पेमेंट साइड, पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक, पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक अंडर कास्ट कितना, पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक अंडर कास्ट कितना, 350 रुपीज। इसके बाद क्या दे रखा हुआ है, थर्ड नंबर का ट्रांजैक्शन, ऑन 20th मार्च 2017 द डेबिट बैलेंस ऑफ रुपीज 2156 एज ऑन द प्रीवियस डे वॉज ब्रॉट फॉरवर्ड एज क्रेडिट बैलेंस इन कैश बुक। तो चलो इस ट्रांजैक्शन को भी बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो मैंने यहाँ पे वर्किंग नोट नंबर 3 लिखा, बच्चे मैंने दो लाइन की कैश बुक और दो लाइन की पासबुक बनाई, ठीक है। अब समझने की कोशिश करना, जब मेरी कैश बुक बनती है वो बच्चे बहुत बड़ी हो जाती है, तो मैं डेली बेसिस में क्या करता हूँ, बैलेंस डेली क्या कह सकता हूँ, जब मेरा पेज फिनिश होता है तो मैं क्या करता हूँ, बैलेंसिंग करता हूँ। तो जब मेरा जो बैलेंस आ रहा होगा किसी पेज के एंड का, वो बच्चे डेबिट बैलेंस आ रहा था 2156 का, ठीक है, 2156 का मेरा डेबिट बैलेंस आ रहा होगा। तो बच्चे ये जो डेबिट बैलेंस यहाँ पे आ रहा होगा वो मेरे को नेक्स्ट पेज पे कैरी फॉरवर्ड यहाँ पे करना होगा, तो मेरे को यहाँ पे 2156 लिखना पड़ेगा। बट बच्चे मैंने गलती से ये जो 2156 है डेबिट की जगह मैंने यहाँ पे क्रेडिट साइड पे लिख दिया, क्रेडिट साइड ऑफ द कैश बुक में लिख दिया गलती से यहाँ पे 2156। तो बच्चे अब इस एरर को मेरे को सही करना पड़ेगा, ये मेरा क्या है, एरर ऑफ रिकॉर्डिंग है। तो इस एरर को सही करने के लिए मैं क्या करूंगा, 2156 जो मैंने यहाँ पे ये गलत लिखा है, इसको नलीफाई करने के लिए पहले तो मैं यहाँ पे 2156 लिख देता हूँ। तो बच्चे इस एरर का क्या हुआ, इफेक्ट नलीफाई हो गया। बट बच्चे एक्चुअली में मेरे को 2156 लिखना तो था ही, तो मैंने फिर से यहाँ पे 2156 लिख दिया। पहले मैंने क्या करा, इस एरर को यहाँ पे लिख के नलीफाई करा, फिर मैंने क्या करा, 2156 तो मेरे को ओरिजिनली में लिखना ही था, मेरे को ये वाला बैलेंस यहाँ पे लेकर आना ही था। तो बच्चे मैं 2156 को अगर दो बार लिखता हूँ तो मेरा टोटल मतलब मेरे को कितना लिखना पड़ेगा, 2156 इंटू 2 ये मेरा आ जाएगा 4312। तो बच्चे 4312 मैं कहाँ पे लिख रहा हूँ, डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक में लिख रहा हूँ, मतलब रिसिप्ट साइड ऑफ द कैश बुक में लिख रहा हूँ। तो बच्चे मेरे को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, मेरे को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। अगर मैं रिसिप्ट साइड पे लिख रहा हूँ तो 4312 अगर ऐड करूंगा तो बच्चे मेरा क्लोजिंग बैलेंस जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा, और बच्चे वो मेरे पासबुक के बैलेंस से जाके अल्टीमेटली टैली हो जाएगा। तो चलो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ऐड वाले कॉलम में नंबर 2, डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक, डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक रॉन्गली कैरीड फॉरवर्ड एज, कैरीड फॉरवर्ड एज क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैश बुक। तो मैंने यहां पे क्या लिखा, 2156 इंटू 2 कितना हो जाएगा मेरा, 4312। इसके बाद मेरे को क्या दे रखा हुआ है, अ चेक ऑफ मेसर एबीसी, सॉरी अ कस्टमर ऑफ द मेसर एबीसी, जो मेरा कस्टमर है, हु रिसीव्ड अ कैश डिस्काउंट ऑफ 5% ऑन हिज अकाउंट ऑफ रुपीज 2000 पेड टू मेसर एबीसी अ चेक ऑन 24th मार्च 2017 द कैशियर एररनेसली एंटर द ग्रॉस अमाउंट इन द कैश बुक। तो चलो इसको समझने की कोशिश करता। तो मेरा एक कस्टमर था, ठीक है, कस्टमर का जो बैलेंस था मेरे को कस्टमर से रिसीव कितना करना था, 2000 रुपीज मेरे को कस्टमर से रिसीव करना था।
तो बच्चे मैंने कस्टमर से कहा कि चलो मैं आपको 5% का डिस्काउंट अलाउ कर देता हूँ, तो आप मेरे को 5% डिस्काउंट काट के पेमेंट कर दो। तो बच्चे कस्टमर ने मेरे को 2000 में 5% डिस्काउंट काट लिया, तो मेरे को 1900 रुपीज का पेमेंट करा। ठीक है, तो बच्चे 1900 का पेमेंट मेरे को यहाँ पे कैश बुक पर रिकॉर्ड करना चाहिए था, बट बच्चे मेरा जो अकाउंटेंट था उसने क्या करा, उसने गलती से 2000 रुपीज यहाँ पे लिख दिया। मेरे को 1900 रुपीज की चेक मिली, बट बच्चे मेरे अकाउंटेंट ने 2000 रुपीज यहाँ पे लिख दिया, बट बच्चे वो चेक मैंने बैंक में लगाई थी तो बैंक में 1900 रुपीज ही आए हुए हैं। ठीक है, बैंक में सिर्फ 1900 रुपीज आए। तो बच्चे मेरा जो कैश बुक का बैलेंस है वो बच्चे 100 रुपीज से ज्यादा होगा, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा टैली करने के लिए, मेरे को 100 रुपीज से बैलेंस रिड्यूस करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ लेस वाले साइड पे, लेस वाले साइड पे क्या लिखूंगा मैं, मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं, अमाउंट अमाउंट रॉन्गली रिकॉर्डेड, अमाउंट रॉन्गली रिकॉर्डेड। अब बच्चे मैं कैसे लिख सकता हूं, 2000 माइनस 1900, तो मैंने यहां लिखा 100 रुपीज। ठीक है, 100 रुपीज मैंने यहां पे लिख दिया। इसके बाद मेरे को जो दे रखा हुआ है, ऑन 10th March 2017 अ बिल फॉर रुपीज 5700 वॉज डिस्काउंटेड फ्रॉम द बैंक एंटर्ड इन द कैश बुक बट प्रोसीड्स क्रेडिटेड इन बैंक स्टेटमेंट अमाउंटेड टू रुपीज 5500 ओनली। तो बच्चे मेरा एक बिल था 5700 रुपीज का, वो बच्चे मैंने बैंक से डिस्काउंट कराया। ठीक है, और बच्चे डिस्काउंट कराने के बाद बैंक ने मेरे से क्या करा, 200 रुपए के चार्जेस ले ली और मेरे को 5500 रुपीस दे रखे हुए। तो मैंने यहाँ पे समझाने के लिए आपको क्या करना है, एक छोटा सा दो लाइन का कैश बुक और दो लाइन का पासबुक पहले मैं बनाता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने कैश बुक और पासबुक बनाए, यहाँ पे क्या आ रहा होगा, क्लोजिंग बैलेंस आ रहा होगा। ठीक है, मैंने क्या करा, मेरे पास एक बिल रिसीवेबल था तो मैं बैंक के पास गया, मैं बैंक के पास बिल रिसीवेबल लेकर जाता हूं तो बच्चे बैंक मेरे को फाइनेंस करता है, कुछ चार्जेस लेता है और बिल रिसीवेबल के अगेंस्ट मेरे को पैसे दे देता है। तो 5700 रुपीस का एक बिल रिसीवेबल था मेरे पास, मैं बैंक के पास गया तो बच्चे बैंक ने कुछ चार्जेस काट के मेरे को 5500 रुपीस दे दिए मेरे बैंक अकाउंट में। बट बच्चे गलती से मैंने यहाँ पे रिकॉर्ड कितना कर लिया, 5700 रुपीस ओरिजिनल अमाउंट को रिकॉर्ड कर लिया, मतलब मैंने डिस्काउंट को कंसिडर ही नहीं करा। तो बच्चे जो ये बैलेंस आ रहा होगा वो 200 रुपए से ज्यादा आ रहा होगा, ये 200 रुपए से कम होगा, तो मैं कैश बुक से पासबुक जा रहा हूं तो बच्चे मेरे को 200 रुपीज लेस करना पड़ेगा। तो मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं, बिल रिसीवेबल डिस्काउंटेड रॉन्गली रिकॉर्डेड, रॉन्गली रिकॉर्डेड इन कैश बुक कितना, 5700 माइनस 5500, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 200 रुपीज मेरे को यहाँ पे लिस्ट करने हैं। ठीक है, इसके बाद क्या दे रखा है, अ चेक इशूड अमाउंटिंग टू रुपीज 1725 रिटर्न्ड मार्क्ड आउट ऑफ डेट नो एंट्री मेड इन कैश बुक। तो बच्चे समझने की कोशिश करना, मैंने एक चेक इशू करी होगी, ठीक है, मैंने एक चेक इशू करी कितने की, 1725 की मैंने चेक जब इशू करी होगी, तो बच्चे 1725 रुपीज मैंने यहाँ पे पेमेंट वाले साइट पे लिख लिया होगा, बट बच्चे क्या हुआ, वो चेक मेरे को आउट ऑफ डेट करके मेरे को वापस कर दी गई। तो आउट ऑफ डेट कब होती है, जब मेरी चेक 3 महीने से ज्यादा पुरानी की होती है, जो उसमें डेट पड़ी होती है वो बच्चे 3 महीने से ज्यादा पुरानी की अगर होती है तो बच्चे मेरी चेक आउट ऑफ डेट हो जाती है, तो एक तरीके से वो चेक डिसऑनर हो जाती है, वो चेक किसी काम की नहीं रहती है। तो बच्चे जब मैंने चेक इशू करा होगा तो मैंने यहाँ पे अपने पेमेंट साइट पे रिकॉर्ड करा, तो बच्चे जो ये मेरा क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है, ठीक है, ये 1725 रुपीस से कम आ रहा होगा क्योंकि पासबुक में तो अभी तक इसका पेमेंट ही नहीं हो रखा है। तो मैं कैश बुक से पासबुक जा रहा हूँ तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, 1725 रुपीस ऐड करना पड़ेगा। तो चलो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ क्या, चेक इशूड But returned marked out of date, but returned marked out of date। कितना अमाउंट दे रखा हुआ है, 1725, ठीक है,
इसके बाद दे रखा है कि इंश्योरेंस प्रीमियम ₹576 पेड डायरेक्टली बाय द बैंक अंडर अ स्टैंडिंग ऑर्डर। तो बच्चे बैंक ने मेरे बिहाफ पे इंश्योरेंस का प्रीमियम पे कर दिया, तो मेरा पासबुक का बैलेंस कम हो गया होगा, कैशबुक का बैलेंस ज्यादा होगा। तो बच्चे कैशबुक से पासबुक में जा रहा हूं तो मेरे को कैशबुक का बैलेंस भी कम करना पड़ेगा। तो मैं यहां पे लिखूंगा इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय द इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय द बैंक कितना ₹756। ठीक है, ₹756 मैंने यहाँ पे रिकॉर्ड कर लिया। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन दे रखा है कि बिल रिसीवेबल फॉर ₹1530 डिस्काउंटेड फॉर ₹1500 विद द बैंक हैड बीन डिसऑनर्ड ऑन 30th March 2017 बट एडवाइस वॉज रिसीव्ड ऑन 1st April 2017। तो बच्चे मेरे पास एक बिल रिसीवेबल होगा, वो मैंने बैंक के साथ डिस्काउंट करा। तो चलो पहले मैं इसको समझा देता हूँ बहुत अच्छे से आपको। तो यहाँ पे मैंने लिखा वर्किंग नोट नंबर 7, यहाँ पे मैंने 2 लाइन की कैश बुक और 2 लाइन की पासबुक बना ली। ठीक है, यहाँ पे मेरा क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है। ठीक है, अब क्या दे रखा है कि जो मेरे पास बिल रिसीवेबल था 1530 का, वो बच्चे मैंने बैंक से डिस्काउंट कितने में करा, 1500 पे। तो मैंने यहाँ पे एंट्री करी 1500 और यहाँ पे भी एंट्री कितनी करी होगी, ₹1500 की यहाँ पे बैंक ने एंट्री कर दी होगी। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ कि जो ये बिल था, ठीक है, जो ये बिल था, तो बैंक जब कस्टमर के पास पैसे मांगने गई तो बच्चे कस्टमर ने पैसे नहीं दिए, तो बच्चे बैंक को तो पैसा चाहिए, तो बैंक ने क्या करा, मेरे अकाउंट को 1530 से डेबिट कर लिया। तो बच्चे बैंक क्या करेगा, इंटरेस्ट का पैसा भी तो मेरे से चार्ज करेगा। तो 1530 से बैंक ने मेरे को डेबिट कर लिया, तो ये पासबुक का बैलेंस है बच्चे ₹1530 से रिड्यूस हो गया। और जो ये बैलेंस आ रहा है वो बच्चे 1530 से ज्यादा होगा। तो अगर मैं कैश बुक से पासबुक जा रहा हूं तो बच्चे मेरे को टैली करने के लिए 1530 क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे अपने बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में लेस वाले साइड पे लिखा बिल रिसीवेबल डिस्काउंटेड एंड डिसऑनर्ड, बिल रिसीवेबल डिस्काउंटेड एंड डिसऑनर्ड कितना अमाउंट दे रखा हुआ है, 1530 रुपीज। ठीक है, तो ये चीज मैंने रिकॉर्ड कर ली। उसके बाद क्या दे रखा है कि बैंक रिकॉर्डेड अ कैश डिपॉजिट ऑफ ₹1550 एज ₹1505। तो चलो इसको भी मैं जल्दी से समझा देता हूं आपको। तो यहाँ पे वर्किंग नोट नंबर 8, मैंने यहाँ पे 2 लाइन की कैश बुक बनाई और 2 लाइन की मैंने यहाँ पे पासबुक बनाई। ठीक है, कैश बुक और पासबुक मैंने 2-2 लाइन की यहाँ पे बनाई। यहाँ पे मेरा क्लोजिंग बैलेंस आ रहा होगा कैश बुक का, यहाँ पे मेरा पासबुक का क्लोजिंग बैलेंस आ रहा होगा। ठीक है, अब क्या हुआ कि बैंक में मेरे पास 1550 रुपीज आए। तो बच्चे मैंने यहाँ पे तो 1550 रिकॉर्ड कर लिया, बट बैंक ने गलती से 1550 की जगह 1505 रिकॉर्ड करा। तो बच्चे जो ये बैलेंस होगा वो 45 रुपीज से लेस होगा एज कंपैरिजन टू मेरा कैशबुक का बैलेंस। तो मैं अगर कैशबुक से पासबुक जाता तो बच्चे मेरे को 45 रुपीज क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा, जिससे कि मेरा कैशबुक और पासबुक का बैलेंस जो है वो टैली हो जाए। ठीक है, तो मैं अपने लेस वाले कॉलम पे आता हूं और मैंने यहां पे लिखा रॉन्ग रिकॉर्डिंग बाय बैंक, रॉन्ग रिकॉर्डिंग बाय बैंक कितना अमाउंट दे रखा हुआ है, 1550 माइनस 1505 कितना, 45 रुपीज मैंने लेस में लिख दिया। तो बच्चे मैंने अपने सारे के सारे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर लिया। तो चलो अब टोटल करते हैं। तो सबसे पहले मैं ऐड वाले कॉलम का टोटल करने जा रहा हूं। तो ऐड का जो टोटल आ रहा है वो बच्चे कितना आ रहा है, तो 10250 प्लस 4312 प्लस 1725, तो ये टोटल आ रहा है 16287। और बच्चे अगर मैं लेस का टोटल करता हूं तो 350 प्लस 100 प्लस 200 प्लस 756 प्लस 1530 प्लस 45, तो जो मेरा लेस का टोटल आ रहा है वो कितना आ रहा है, 9785। तो बच्चे मैंने जब पूरा सॉल्व करा तो मेरा जो एंड का बैलेंस आ रहा वो कितना आएगा, तो 27570 प्लस 16287 माइनस 9785
तो बच्चे ये मैंने शायद बैलेंस गलत लिख दिया है, ये होगा 2981, ठीक है, मैंने टोटलिंग गलती कर दिया। तो अगर मैं फिर से टोटल करता हूँ तो 27570 प्लस 16287 माइनस 2981, तो बच्चे जो बैलेंस आ रहा है मेरा 40876। तो डेबिट का बैलेंस जो आएगा वो किस में आएगा, क्रेडिट में आएगा यहाँ पे। तो क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, तो बच्चे हमारा आंसर कितना आ गया, 40876 आ गया। तो बच्चे मैंने आपको डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक बहुत अच्छे से समझा दिया, मैंने आपको 2 से 3 क्वेश्चन भी इसके करा दिया। अब मैं जानना चाहता हूँ डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक में। तो सबसे पहले मेरे को एक बात समझनी है, ठीक है, कि अगर मेरे को डेबिट बैलेंस दे रखा है, ठीक है, डेबिट बैलेंस अगर मेरे को क्वेश्चन में दे रखा है, और वेदर इट इज एज पर कैश बुक और पासबुक, वो बच्चे मेरे लिए इररिलेवेंट है। क्योंकि अगर डेबिट बैलेंस दे रखा है तो मैंने आपको बताया जो केसेस, मतलब जो आइटम्स मेरे कैशबुक के केस में ऐड होते थे वो बच्चे पासबुक के केस में भी ऐड होंगे, और जो बच्चे कैशबुक के केस में लेस होते थे वो मेरे पासबुक के केस में भी लेस होंगे। मतलब ट्रीटमेंट वाइज तो मेरा क्या होगा, सेम होगा। ट्रीटमेंट वाइज अगर मैं बोलूं तो दोनों चीजों का ट्रीटमेंट तो सेम होगा, तो ट्रीटमेंट में कोई फर्क नहीं, बस बच्चे नाम चेंज हो रहा है। डेबिट बैलेंस एज पर कैशबुक पहले था, अब क्या हो रहा है, डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक हो रहा है। मतलब जो आइटम्स मैं डेबिट बैलेंस एज पर कैशबुक में ऐड करता था वो बच्चे मैं पासबुक में भी ऐड करूंगा, और जो बच्चे मैं डेबिट बैलेंस एज पर कैशबुक में लेस करता था वो बच्चे मैं पासबुक के केस में भी मैं क्या करूंगा, लेस करूंगा। ये तो हो गया बच्चा बेसिक सी बात। बट सर सिर्फ ऐड और लेस करके ये तो हम लोग आंसर तो निकाल लेंगे, बट सर इसके पीछे का बैक लॉजिक भी तो हमें समझाओ। तो वो बच्चे मैं आपको समझाऊंगा, इतने से आपका क्या होगा, आंसर तो निकल आएगा, बट मेरे को आपको क्या करना है, इसके पीछे का लॉजिक भी समझाना है। तो लॉजिक समझाने के लिए मैं आपको कुछ पहले अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स को समझाऊंगा, क्योंकि देखो बच्चे लॉजिक आना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्वेश्चन आप एग्जाम का सॉल्व कर लोगे तो उससे क्या होगा, आपसे पास हो गए, बट बच्चे जब आप रियल लाइफ में जाओगे तो आपको हो सकता है बहुत सारे बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनाने पड़े, हो सकता है आपको डेबिट बैलेंस मिल जाए एज पर पासबुक। तो पहले आपको समझना तो चाहिए कि मैं कर रहा हूं तो कोई चीज क्यों कर रहा हूं। तो चलो इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो मैंने यहां पे लिखा क्या, डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक। तो बच्चे डेबिट बैलेंस अगर पासबुक के हिसाब से आ रहा है, ठीक है, डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक आ रहा है, तो बच्चे ये जो बैलेंस है वो मेरा क्या होगा, ओवरड्रॉन बैलेंस होगा, मतलब मेरा अनफेवरेबल बैलेंस होगा। ये मेरा कौन सा बैलेंस है, अनफेवरेबल बैलेंस, मतलब मैंने बैंक से कोई एक क्रेडिट फैसिलिटी ले रखी है, मतलब मैंने बैंक से किसी भी टाइप का क्रेडिट ले रखा है, किसी भी टाइप का एक लोन ले रखा है। तो बच्चे जब कभी भी मेरा डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक है तो बच्चे मेरी कोई ना कोई ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी चल रही है बैंक के साथ, और जितना भी मैं बैंक से ओवरड्रॉ करूंगा, मतलब मेरी लिमिट, अगर मतलब मैं अपने बैलेंस को नेगेटिव में लेकर जा रहा हूं, तो जितना भी मैं ओवरड्रॉ कर रहा हूं उस पे बच्चे मेरे को बैंक को क्या पे करना पड़ता है, इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। तो इंटरेस्ट मेरे को पे करना पड़ता है किस पे, ओवरड्रॉन बैलेंस पे, ठीक है। तो ये मेरा क्या आ गया, डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, मतलब ये मेरा कौन सा, ओवरड्रॉन बैलेंस है, ठीक। अब बच्चे डेबिट बैलेंस का जो क्लोजिंग में बैलेंस आएगा वो कौन सा होना चाहिए, क्रेडिट बैलेंस एज पर कैशबुक होना चाहिए। तो बच्चे क्रेडिट बैलेंस एज पर कैशबुक की अगर मैं बात करूं तो बच्चे वो भी तो मेरा ओवरड्रॉन बैलेंस ही होगा। क्रेडिट बैलेंस एज पर कैशबुक मेरा ओवरड्रॉन बैलेंस होगा, और डेबिट बैलेंस एज पर कैशबुक मेरा क्या होता था, फेवरेबल बैलेंस होता था। तो मेरे को एक चीज तो पता हो गई कि डेबिट का मेरा क्लोजिंग में क्या आएगा, क्रेडिट बैलेंस आएगा। तो चलो अब मैं कुछ ट्रांजेक्शन को पहले समझा देता हूँ, फिर मैं आपको एक क्वेश्चन कराऊंगा। तो पहले मैं एक ट्रांजेक्शन को समझाने जा रहा हूं, तो सबसे पहले मेरे साथ लिखो, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, ठीक है। तो चलो यहां पे 2 लाइन की छोटी सी कैश बुक बना लो आप लोग, 2 लाइन की छोटी सी पासबुक बना लो आप लोग। अब बच्चे जो ओवरड्रॉन बैलेंस होता है मेरा, ओवरड्रॉन बैलेंस मेरे कैश बुक के ये वाले साइड पर आ रहा होगा, और बच्चे पासबुक के
ओवर साइड कौन से साइड पे आ रहा होगा, क्रेडिट साइड पे आ रहा होगा। तो बच्चे ये अगर डेबिट साइड पे आ रहा है तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, क्रेडिट बैलेंस, और यहाँ पे ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये डेबिट बैलेंस। तो डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक मेरा चल रहा है। अब बच्चे मेरी अप्रोच चेंज होने वाली है, समझने की कोशिश करना। अभी तक मैं कैशबुक से पासबुक जाता था, बट बच्चे अब मैं पासबुक से कैशबुक जाने वाला हूँ, ठीक है। अब मेरी अप्रोच क्या होने वाली, चेंज होने वाली, क्योंकि मैं क्वेश्चन जो है वो डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो डेबिट बैलेंस से मेरे पास, मेरे को एज पर पासबुक से कैशबुक में जाना है, तो मेरे को पासबुक से इस बार कैशबुक में जाना है, ठीक है। तो चलो यहाँ पे मैं एक अमाउंट भी ले लेता हूँ, लेट्स टेक 1000 रुपीज, ठीक है। यहाँ पे मेरा क्या आ रहा है, ओवरड्रॉन बैलेंस आ रहा है। तो चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, तो बच्चे मैंने चेक इशू करी, तो मैंने यहाँ पे कैशबुक में एंट्री करी होगी पेमेंट की, मतलब चेक इशू करने पे मैंने एक एंट्री करी 1000 रुपीज की कैशबुक में। बट बच्चे वो अभी तक चेक प्रेजेंट नहीं हुई है पेमेंट के लिए, चेक वो अभी तक प्रेजेंट नहीं हुई है बैंक में पेमेंट के लिए, मतलब बैंक के यहाँ पे डेबिट साइड पे नहीं आ रही है। तो बच्चे जो ये बैलेंस आ रहा है मेरा कैशबुक का, वो बच्चे 1000 रुपीज से क्या होगा, ओवरड्रॉन होगा। 1000 रुपए मैंने ओवरड्रॉ कर रखे हैं, तो बच्चे 1000 रुपीज से एक्स्ट्रा ओवरड्रॉ कर रखा है मैंने, तो ये जो ओवरड्रॉ का बैलेंस होगा वो 1000 रुपीज से लेस होगा। तो बच्चे मैं पासबुक से इस बार कैशबुक जा रहा हूं, तो पासबुक से कैशबुक में जाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, 1000 रुपीज से अगर मैं अपने पासबुक का ओवरड्रॉन बैलेंस इंक्रीज कर लेता हूं, तो बच्चे मेरा पासबुक और कैशबुक का जो ओवरड्रॉन बैलेंस है वो टैली हो जाएगा। तो बच्चे ये मेरा फर्स्ट ट्रांजैक्शन का मतलब निकला। तो चलो अब हम लोग एक और ट्रांजैक्शन डिस्कस करते हैं, ट्रांजैक्शन नंबर 2, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड। चलो समझने की कोशिश करते हैं, ये मेरी कैशबुक, ये मेरी पासबुक। तो मैंने यहाँ पे 2 लाइन की कैशबुक बनाई और बच्चे 2 लाइन की पासबुक भी बना ली है। अब समझने की कोशिश करना है यहाँ पे मेरा क्या आ रहा होगा, ओवरड्रॉन बैलेंस, और बच्चे यहाँ पे मेरा ओवरड्रॉन बैलेंस आ रहा है, ठीक है। अब मैंने कुछ चेक डिपॉजिट करी बैंक में कलेक्शन के लिए, फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक 5000 रुपीज, ठीक है, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड 5000 रुपीज। तो बच्चे चेक डिपॉजिट करी होगी, तो मैंने यहाँ पे 5000 रुपीज कैशबुक में लिख दिया, बट बच्चे बैंक में अभी तक यहाँ पे 5000 रुपीज की चेक्स अभी तक आई नहीं है। तो मतलब मेरा जो ये क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है एज पर कैशबुक, जो ये मेरा ओवरड्रॉन बैलेंस है, वो बच्चे 5000 रुपीज से लेस होगा अगर मैं चेक डिपॉजिट करता हूं, तो बच्चे मेरे को पैसा रिसीव होता है, पैसा रिसीव होगा तो बच्चे मेरा ओवरड्रॉन बैलेंस क्या होगा, कम होगा। तो मेरा कैशबुक का 5000 रुपीज से ओवरड्रॉन बैलेंस कम है और बच्चे पासबुक का 5000 रुपीज से ज्यादा है। तो इस बार मैं क्या कर रहा हूं, पासबुक से कैशबुक जा रहा हूं, तो बच्चे मेरे को क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा 5000 रुपीज। 5000 रुपीज अगर मैं पासबुक के ओवरड्रॉन बैलेंस में लेस कर दूंगा बच्चे, तो मेरा क्या होगा, कैशबुक से टैली कर जाएगा, ठीक है। इसके बाद मैं थर्ड पॉइंट पे आता हूं, डायरेक्ट पेमेंट्स बाय बैंक ₹4000। तो बच्चे बैंक ने कुछ पेमेंट्स कर दी मेरे ऑर्डर के अकॉर्डिंग, ठीक है, मेरे ऑर्डर के अकाउंटिंग, ऑर्डर के अकॉर्डिंग मैंने क्या कर रखा था, बैंक को कुछ स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस दे रखे थे कि ये पेमेंट्स आप कर देना ऑन अ पर्टिकुलर डेट, जैसे हो सकता है रेंट का पेमेंट, मेरे बच्चों की स्कूल की फीस का पेमेंट, वो हो सकता है मैंने बैंक को इंस्ट्रक्शन दे रखे हो कि इस दिन को मेरे पेमेंट कर देना। तो बैंक ने क्या करा, पेमेंट कर दिया। तो चलो समझते हैं, कैशबुक और पासबुक 2-2 लाइन की आप लोग बना लीजिए। यहाँ पे मेरा क्लोजिंग बैलेंस आ रहा होगा, ओवरड्रॉन बैलेंस आ रहा होगा। तो बच्चे मैं बैंक ने क्या करा, पेमेंट कर दिया 4000 रुपीज का, तो बैंक ने यहाँ पे 4000 रुपीज मेरे डेबिट में लिख दिए, ठीक है। तो ये जो मेरा ओवरड्रॉन बैलेंस है वो बच्चे 4000 रुपीज से इंक्रीज हो गया, बट बच्चे अभी तक मैंने कैशबुक में कोई एंट्री नहीं कर रखी है। तो ये ओवरड्रॉन बैलेंस मेरा 4000 रुपीज से ज्यादा है, तो बच्चे जब मैं पासबुक से कैशबुक जाऊंगा तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, 4000 रुपीज लेस करूंगा। तो बच्चे ये क्या हो रहा है कि अगर जब हम लोग डेबिट बैलेंस एज पर कैशबुक भी करते थे, तब भी हम लोग ये 4000 रुपीज लेस करते थे, ये 5000 रुपीज लेस ही करते थे। अभी भी हम क्या कर रहे हैं, लेस कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं आया, ट्रीटमेंट में कोई फर्क नहीं आया, बट बच्चे बैक लॉजिक चेंज हो गया। ट्रीटमेंट वही रहेगा जो हम डेबिट बैलेंस एज पर कैशबुक में करते थे, बट बच्चे बस लॉजिक चेंज हो रहा है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा कोई लॉजिक नहीं चेक करने आ रहा, ये मेरे को मालूम होना चाहिए कि इसके पीछे का वर्किंग क्या है,
ये मेरे को आता है तो बच्चे एग्जाम में मैं क्विकली सॉल्व कर सकता हूँ, मेरे को पता है इसको लेस करना है तो लेस कर दूंगा फटाफट, मैं ये नहीं देखता हूँ कि ये कैश बुक है या पासबुक है, डेबिट बैलेंस है तो मेरे को लेस करना है, ठीक है। तो चलो एक और मैं ट्रांजेक्शन को आपको पहले समझाता हूँ, फिर मैं क्या करूंगा इसके बाद एक क्वेश्चन पे आ जाऊंगा। तो मैंने यहां पर लिखा डायरेक्ट पेमेंट्स रिसीव्ड बाय बैंक, डायरेक्ट पेमेंट्स रिसीव्ड बाय बैंक कितना 1000, या मैं कह सकता हूं चलो 10,000 रुपीज, ठीक है 10,000 रुपीज। तो मैंने यहां पे कैश बुक बनाई, यहां पे मैंने पासबुक बनाई, बचे दो दो लाइन की दोनों बना लेना। यहां पे मेरा ओवरड्राफ्ट बैलेंस आ रहा होगा, ठीक है। तो बच्चे बैंक ने 10,000 रुपीज कहीं से रिसीव करे, हो सकता है किसी कस्टमर से रिसीव करे, या फिर बैंक ने मेरे को किसी तरीके का इंटरेस्ट अलाउ करे। तो बच्चे 10,000 रुपीज मेरे पास पेमेंट आया, तो बच्चे ये जो मेरा क्लोजिंग बैलेंस आ रहा होगा, ओवरड्रॉन बैलेंस आ रहा होगा बैंक का, तो बच्चे 10,000 रुपीज से लेस हो गया होगा। और बच्चे ये जो ओवरड्रॉन बैलेंस होगा वो 10,000 रुपए से ज्यादा होगा। तो मैं क्या करूंगा इसको, मैं क्या करूंगा अपने पासबुक के बैलेंस को टैली करने की कोशिश करूंगा कैशबुक के बैलेंस से। तो मैं क्या करूंगा 10,000 रुपीज मैं क्या करूंगा ऐड कर दूंगा अपने पासबुक के ओवरड्राफ्ट बैलेंस में। तो ओवरड्राफ्ट बैलेंस में अगर मैं 10,000 ऐड कर देता हूं तो बच्चे मेरे कैशबुक के बैलेंस के साथ वो टैली हो जाएगा। तो यही चीज हम लोग डेबिट बैलेंस एज पर कैशबुक के केस में भी करते थे, ऐड करते थे, तो बच्चे यहां पे भी ऐड कर रहे। तो मैंने आपको कुछ ट्रांजेक्शन को समझा दिया, इसकी बैक वर्किंग को समझाया। अब मैं आपको एक क्वेश्चन कराऊंगा जिससे कि आपको और अच्छे से वो चीजें समझ में आ जाए। तो चलो हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आप लोग ओपन कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर जो हम करने जा रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 को आप लोग क्या, तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 8, द बैंक पासबुक ऑफ अकाउंट नंबर 5678 ऑफ मिस रानू शोड एन ओवरड्राफ्ट ऑफ रुपीज 33,575 ऑन 31st March 2018। ऑन गोइंग थ्रू द पासबुक द अकाउंटेंट फाउंड द फॉलोइंग, अ चेक ऑफ रुपीज 1080 credited in the passbook on 28th March 2018 being dishonored is debited again in the passbook on 1st April 2018. There was no entry in the cash book about the dishonor of the check until 15th April 2018. फिर क्या दे रखा हुआ है, bankers had credited her account with rupees 2800 for interest collected by them on her behalf, but the same has not been entered in her cash book. Out of rupees 20,500 paid in by Ms. Rani in cash and by check on 31st March 2018, checks amounting to rupees 7,500 were collected on 7th April 2018. Out of the checks amounting to rupees 7,800 drawn by her on 27th March 2018, a check for rupees 2,500 was encashed on 3rd April 2018. Bankers seem to have given her wrong credit for rupees 500 paid in by her in account number 8765 and a wrong debit in respect of a check for rupees 300 against her account number 8765. A check for rupees 1000 entered in the cash book but omitted to be banked on 31st March 2018. A bill receivable for rupees 5200 previously discounted, discount kitna hai 200 rupees with a bank, had been dishonored but advice was received on 1st April 2018. A bill for rupees 10,000 was retired oblique paid by the bank under a rebate of rupees 175, but the full amount of the bill was credited in the bank column of the cash book. Iske liye bache mere ko aur kya de rakha hua hai, a check for rupees 2400 deposited into bank but omitted to be recorded in cash book and was collected by the bank on 31st March. Prepare a bank reconciliation statement as on 31st March 2018. तो जो बच्चे ये क्वेश्चन है वो कब का है, ICI May 18 का है, मतलब May 18 एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आ चुका है। और बच्चे अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो ये बच्चे बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये जब क्वेश्चन आया था एग्जाम में तो मैक्सिमम बच्चों ने, बहुत सारे बच्चों ने ये इसका जो सॉल्यूशन करा वो बच्चे गलत करा था। तो ये इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ चुका है, हो सकता है इससे मिलता जुलता क्वेश्चन आपके अटेम्प्ट में आ जाए। तो बच्चे ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था, मैक्सिमम बच्चों ने ये क्वेश्चन क्या करा था, गलत करा था एग्जाम में, सॉल्व गलत करा था, ठीक है। क्यों गलत किया था वो भी मैं अभी आपको थोड़ी देर में समझाऊंगा, ठीक है।
तो सबसे पहले जब मैंने क्वेश्चन को रीड आउट करा, ठीक है, जब मैंने क्वेश्चन को रीड आउट करा तो मैंने सबसे पहले एक चीज नोटिस करी कि बच्चे जो मिस रानू की बैंक पासबुक है, ठीक है, वो क्या शो कर रही है, ओवरड्राफ्ट शो कर रही है। मतलब अगर बैंक पासबुक में ओवरड्राफ्ट आ रहा है तो बच्चे ये मेरा क्या है, डेबिट बैलेंस है, ठीक है। तो डेबिट बैलेंस ये होगा और बच्चे डेबिट बैलेंस कितना है, 33575। तो मेरे को पता है कि मेरे को क्वेश्चन कहां से शुरू करना है, डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक से मेरे को क्वेश्चन शुरू करना होगा। तो चलो पहले हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, फिर धीमे धीमे एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे। तो मैंने यहां पे लिखा क्वेश्चन नंबर एट, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट as on 31st March 2018. फिर मैंने यहां पे लिखा पर्टिकुलर्स अमाउंट। तो चलो आप लोग भी बच्चे मेरे साथ कॉलम्स को ड्रॉ कर लीजिए। तो आप लोगों ने कॉलम्स को ड्रॉ कर लिया होगा, मैं यहां पे क्वेश्चन को शुरू करता हूं। तो मैंने यहां पे लिखा क्या, डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, तो डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक मेरे पास कितना आ रहा है, 33575। फिर बच्चे मेरे को कुछ आइटम्स ऐड करने होते हैं और कुछ आइटम्स मेरे को लेस करने होते हैं, ठीक है। तो चलो मैं एक एक ट्रांजैक्शन को रीड आउट करता हूं और देखते हैं कि कौन से ट्रांजैक्शंस को मेरे को ऐड करना है और कौन से ट्रांजैक्शंस को मेरे को लेस करना है। तो सबसे पहला जो ट्रांजैक्शन मेरे को दे रखा हुआ है, अ चेक ऑफ रुपीज 1080 क्रेडिटेड इन द पासबुक ऑन 28th March 2018 being dishonored is debited again in the passbook on 1st April 2018. There was no entry in the cash book about the dishonor of the check until 15th April 2018. तो बच्चे इसका क्या मतलब हुआ, चलो हम लोग पहले इसको समझते हैं बहुत अच्छे से, ठीक है। तो मेरे साथ आप लोग एक आ जाओ वर्किंग नोट पे, मैंने यहाँ पे वर्किंग नोट बनाया, वर्किंग नोट नंबर वन। बच्चे मैंने दो लाइन की कैश बुक बनाई और बच्चे दो लाइन का पासबुक बनाया। तो मेरा यहां पे क्या आ रहा है, ओवरड्रॉन बैलेंस एज पर पासबुक आ रहा है, मतलब ओवरड्रॉन बैलेंस कैश बुक में यहां पे आएगा और पासबुक में यहां पे ओवरड्रॉन बैलेंस आ जाएगा, ठीक है। तो बच्चे मेरी एक चेक थी 1080 रुपीज की, ठीक है, वो मेरे पासबुक में क्रेडिट हो गई कब, 28 मार्च को, मतलब 1080 मेरे पासबुक में क्रेडिट हो गया। तो बच्चे मेरे कैश बुक में भी क्रेडिट हो गया होगा जब मैंने कैश बुक में डेबिट हो गया होगा जब मैंने डिपॉजिट करी होगी। तो कैश बुक मैंने एंट्री करी और पासबुक में भी मेरे एंट्री हो गई। बट बच्चे ये जो चेक मैंने डिपॉजिट करी थी वो क्या हुआ, डिसऑनर हो गई। ये चेक जो मैंने डिपॉजिट करी थी बैंक में वो डिसऑनर हो गई, और बच्चे डिसऑनर जब हुई तो बैंक ने यहाँ पे 1080 की एंट्री कर दी, मतलब 1080 अमाउंट मेरे अकाउंट में डेबिट कर दिया, मेरे पासबुक में डेबिट कर दिया। बट बच्चे डेबिट तो किया वो तो ठीक है, बट कब किया, 1st अप्रैल को किया, 1st अप्रैल को मेरे अकाउंट को डेबिट किया 1080 से। और बच्चे जो मैं ये रिकंसिलेशन बना रहा हूं वो 31st मार्च का बना रहा हूं, मैं 31st मार्च को रिकंसिलेशन बना रहा हूं, और बच्चे बैंक ने एंट्री कब करी, 1st अप्रैल को करी है। तो ये जो एंट्री है 1st अप्रैल की, वो बच्चे मेरे 31st मार्च के रिकंसिलेशन में आएगी नहीं, क्योंकि ये जो एंट्री है वो 31st मार्च के बाद में हो रही है। तो ये एंट्री मेरे रिकंसिलेशन में नहीं आएगी। तो यहां पे मैक्सिमम बच्चों ने, बहुत से बच्चों ने क्या गलती कर दी थी, 1080 को कंसिडर ध्यान नहीं दिया डेट का कि 1st अप्रैल को हो रहा है, और गलती से उन्होंने क्या करा, 31st मार्च को कंसिडर करते हुए उन्होंने इसको ऐड या लेस कर दिया, जो भी करना होगा, ठीक है, उन्होंने क्या करा, ऐड या लेस कर दिया। तो बच्चे इससे क्या हुआ, उनका जो क्वेश्चन था वो गलत सॉल्व हो गया। तो जब आंसर्स आते हैं बच्चे एग्जाम्स के बाद, जैसे मे 18 का एग्जाम हुआ, उसके बाद क्या होता है, सजेस्टेड आंसर्स आते हैं, और सजेस्टेड आंसर्स में जो हमारे चेकर्स होते हैं, जो हमारे मतलब एग्जामिनर होते हैं, जो बच्चों की कॉपियां चेक करते हैं, उनका कमेंट क्या था कि मैक्सिमम बच्चों ने इस ट्रांजैक्शन को गलत ट्रीट करा। उन लोगों ने यह सोचा कि 1080 है वो 1st अप्रैल के पहले, मतलब अप टू 31st मार्च है, उन लोगों ने इसको थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया,
और 1080 की एंट्री पास कर दी, मतलब 1080 ऐड या लेस कर दिया। तो इससे क्या हो गया था, उनका क्वेश्चन गलत हो गया था। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है, इंस्टीट्यूट हमें कंफ्यूज करने के लिए ऐसे पॉइंट्स दे सकता है एग्जाम में। तो बच्चे अगर मैं बोलूं तो इस ट्रांजैक्शन की कोई भी ट्रीटमेंट नहीं होगा, इस ट्रांजैक्शन का कोई भी ट्रीटमेंट नहीं होगा हमारा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में, क्योंकि ये 31 मार्च के बाद हो रहा है और 1080 मैं ऑलरेडी डेबिट कर चुका हूं और क्रेडिट कर चुका हूं पासबुक में। तो बच्चे कोई डिफरेंस ही नहीं आ रहा है 31 मार्च को, तो मेरे को कोई भी ट्रीटमेंट नहीं करना है इस ट्रांजैक्शन का। तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन में मेरे को कोई भी ट्रीटमेंट नहीं करना है। इसके बाद क्या दे रखा हुआ है, बी पॉइंट, बैंकर्स हैड क्रेडिटेड हर अकाउंट विथ ₹2800 फॉर इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय देम ऑन हर बिहाफ बट द सेम हैज नॉट बीन एंटर्ड इन द कैश बुक। तो बच्चे इसका क्या मतलब हुआ, बैंक ने मेरे बिहाफ पे इंटरेस्ट कलेक्ट कर लिया। तो अब समझने की कोशिश करना, जब इंटरेस्ट कलेक्ट हुआ, जब मैं नॉर्मली डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक करता था, तो जब कभी भी बैंक कोई कलेक्शन करता था बच्चे, मेरे पासबुक का बैलेंस इंक्रीज हो जाता था, मेरा कैशबुक का बैलेंस कम होता था। मेरा पासबुक का बैलेंस इंक्रीज होता था, कैशबुक का बैलेंस कम होता था। तो बच्चे टैली करने के लिए मैं क्या करता था, ऐड करता था। तो मैंने यहां पे भी ऐड कर दिया, इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय बैंक, इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय बैंक कितना अमाउंट है, 2800 रुपीज का इंटरेस्ट का अमाउंट है। अब चलो एक बार मैं इसको समझ भी लेता हूं बहुत अच्छे से, कि डेबिट बैलेंस अगर पासबुक का है तो इसके पीछे का लॉजिक क्या है। तो मैंने यहां पे कैशबुक बनाई और यहां पे पासबुक बनाई दो लाइन की। यहां पे बच्चे मेरा ओवरड्रॉन बैलेंस आ रहा होगा और यहां पे ओवरड्रॉन बैलेंस आ रहा होगा। तो बच्चे बैंक ने क्या करा, मेरे बिहाफ पे इंटरेस्ट कलेक्ट करा कितना, 2800 रुपीज। तो बच्चे 2800 रुपीज यहां पे क्रेडिट हो गया होगा, 2800 रुपीज जो क्रेडिट हुआ। तो बच्चे इससे मेरा जो ये ओवरड्रॉन बैलेंस आ रहा होगा वो 2800 रुपीज से लेस हो गया होगा, और जो यहां पे कैशबुक का जो ओवरड्रॉन बैलेंस होगा वो बच्चे 2800 रुपीज से ज्यादा होगा। तो मैं पासबुक से कैशबुक में जा रहा हूं, तो बच्चे टैली करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, 2800 रुपीज को ऐड करना पड़ेगा। तो बच्चे मैंने ऑलरेडी 2800 रुपीज को ऐड ही कर रखा है। फिर इसके बाद जो सी पॉइंट दे रखा हुआ है, आउट ऑफ रुपीज 20,500 पेड इन बाय मिस रानी इन कैश एंड बाय चेक ऑन 31 मार्च 2018, चेक्स अमाउंटिंग ₹2,7500 वर कलेक्टेड ऑन 7 अप्रैल 2018। तो चलो पहले इस ट्रांजेक्शन को समझ लेते हैं। तो मिस रानी को क्या हुआ, चेक्स मिली 20,500 रुपीज की, और बच्चे मिस रानी ने ये चेक्स को बैंक में डिपॉजिट कर दिया, ठीक है, बैंक में डिपॉजिट कर दिया। फिर उसके बाद क्या हुआ, डिपॉजिट करने के बाद क्या हुआ कि जो चेक्स थी 7500 रुपीज की, वो बच्चे मेरे अकाउंट में कब क्रेडिट हुई है, 7 अप्रैल को क्रेडिट हुई है, और जो रिमेनिंग चेक्स थी 13,000 की वो मेरे अकाउंट में अप टू 31 मार्च क्रेडिट हो चुकी है, ठीक है। तो जो बच्चे चेक्स 31 मार्च तक क्रेडिट हो चुकी हैं वो मेरे लिए रेलिवेंट होंगी, क्या ये चेक्स मेरे लिए रेलिवेंट होंगी जो 31 मार्च तक क्रेडिट हो चुकी है? नहीं बच्चे नहीं, क्योंकि इसकी एंट्री मैं कैशबुक में भी कर चुका हूं और पासबुक में भी हो चुकी है, मेरे लिए रेलिवेंट क्या ये 7500 रुपीज रेलिवेंट है। तो ये क्या केस बन गया, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड। तो जब कभी भी मेरा डेबिट बैलेंस एज पर कैशबुक होता था, तो बच्चे डेबिट बैलेंस अगर मेरा आ रहा है तो हम लोग नॉर्मली इसको क्या करते थे, लेस करते थे। तो अभी भी मैं लेस ही करूंगा, बट मैं आपको इसको बैक वर्किंग भी आपको समझा देना चाहता हूं कैसे ये वर्क कर रहा है। तो कैश बुक और पासबुक, तो कैश बुक में ओवरड्रॉन बैलेंस यहां पे आ रहा होगा और बच्चे यहां पे ओवरड्रॉन बैलेंस आ रहा होगा पासबुक में। तो मैंने क्या करा, 20,500 की चेक डिपॉजिट करी और बच्चे कैशबुक में 20,500 रुपीज यहां पर लिख लिया, बट बच्चे बैंक में अप टू 31 मार्च 13,000 रुपीज ही क्रेडिट हुआ है। तो बच्चे जो ये ओवरड्रॉन बैलेंस होगा वो 7,500 रुपीज से कम हो गया होगा, ठीक है, और जो ये ओवरड्रॉन बैलेंस होगा वो बच्चे 7,500 रुपीज से ज्यादा होगा। तो मेरे को पासबुक से कहां पे जाना है, कैशबुक में जाना है। तो मैं क्या करूंगा, टैली करने के लिए 7,500 रुपीज लेस करूंगा, जिससे कि मेरा पासबुक और कैशबुक का बैलेंस टैली हो जाए। तो हमें ये भी पहले भी पता था इसको मेरे को क्या करना है, लेस करना है, बट बच्चे एक बार लॉजिक समझ में आ जाता है तो और अच्छा लगता है। तो मैंने यहां पर लिखा चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड अमाउंट कितना हो गया, 7500।
तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 20,500 माइनस 13,000 रुपीज, तो कितना 7,500 रुपीज मैंने यहाँ पे लिस्ट कर दिया। अगला ट्रांजैक्शन जो मेरे को दे रखा हुआ है, आउट ऑफ चेक्स अमाउंटिंग टू रुपीज 7,800 ड्रॉन बाय हर ऑन 27th मार्च 2018, अ चेक फॉर रुपीज 2,500 वॉज इनकैश्ड ऑन 3rd अप्रैल 2018। तो चलो इसका भी मतलब हम लोग समझते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा वर्किंग नोट नंबर 4, मैंने चेक्स जो इशू करी है वो 7,800 रुपीज की चेक इशू करी है, 7,800 रुपीज की चेक इशू करी है पेमेंट के लिए, ठीक है। उसमें से क्या हुआ, एक 2,500 रुपीज की चेक थी, उसका पेमेंट कब हुआ है, उसका पेमेंट हुआ है 3rd अप्रैल को। और जो मेरी रिमेनिंग चेक्स इशू कर रखी थी, जो मैंने रिमेनिंग चेक्स इशू करी थी कितने रुपीज की, 5,300 रुपीज की, उनका पेमेंट अप टू 31st मार्च हो चुका है। तो बच्चे जब इसका पेमेंट 31st मार्च तक हो चुका है तो ये मेरे लिए रेलेवेंट होगा? नहीं सर, नहीं, ये बिल्कुल भी रेलेवेंट नहीं होगा। 2,500 रुपीज मेरे लिए रिकंसलेशन में खड़ा होगा क्योंकि मैंने इसकी एंट्री कैशबुक में कर रखी है बट अभी तक पासबुक में नहीं हुई है। तो जैसे कि डेबिट बैलेंस के लिए मैंने आपको बताया था, ये कौन सा केस बन रहा है, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। तो चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड हम लोग क्या करते थे, ऐड करते थे। तो बच्चे अभी मैं ऐड ही करूंगा, बट चलो मैं पहले आपको एक बार समझा देता हूं, फिर मैं लिख देता हूं ऐड कॉल वाले कॉलम पे। मैंने आप लिखा कैश बुक और पासबुक, यहां पे डेबिट बैलेंस, सॉरी यहां पे ओवरड्रॉन बैलेंस आ रहा होगा और यहां पे ओवरड्रॉन बैलेंस आ रहा होगा। तो ये एज पर कैश बुक है, ये एज पर पासबुक है, ठीक है। मैंने 7,800 रुपीज की चेक इशू करी पेमेंट के लिए, 7,800 की चेक इशू करी पेमेंट के लिए, बट बच्चे अभी तक मेरे बैंक अकाउंट में 5,300 रुपीज डेबिट हुए हैं। तो जो ये ओवरड्रॉन बैलेंस होगा वो बच्चे 2,500 रुपीज से ज्यादा होगा, और जो ये ओवरड्रॉन बैलेंस होगा वो बच्चे 2,500 रुपीज से कम होगा। तो मेरे को पासबुक से कैशबुक में जाना है, तो बच्चे मैं क्या करूंगा, ऐड करूंगा 2,500 रुपीज, जिससे कि मेरा कैशबुक और पासबुक का बैलेंस जो है वो क्या हो जाए, टैली हो जाए। तो मैं यहां पे आया, मैंने यहां पे लिखा चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, फॉर पेमेंट। अमाउंट कितना है, 2,500 रुपीज। तो 2,500 रुपीज मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। इसके बाद जो ट्रांजैक्शन नंबर ई है वो क्या दे रखा हुआ है, बैंकर्स सीम टू हैव गिवन हर रॉन्ग क्रेडिट फॉर रुपीज 500 पेड इन बाय हर इन अकाउंट नंबर 8765 एंड अ रॉन्ग डेबिट इन रिस्पेक्ट ऑफ अ चेक फॉर रुपीज 300 अगेंस्ट हर अकाउंट नंबर 8765। तो चलो इसका क्या मतलब है समझने की कोशिश करते हैं। तो मैंने यहां पे लिखा वर्किंग नोट नंबर 5, मैंने यहां पे क्या करा, एक कैश बुक बनाई दो लाइन की और मैंने यहां पे पासबुक भी बना ली दो लाइन की, ठीक है। अब चलो समझने की कोशिश करते हैं। तो बैंक ने क्या करा, यहां पे सबसे पहले मैंने क्या लिखा, ओवरड्रॉन बैलेंस और ओवरड्रॉन बैलेंस जो भी आ रहा होगा, ठीक है। बैंक ने क्या करा, बैंक ने गलती से हमारी जो रेनू जी हैं, हमारी जो रानू जी हैं, उनके अकाउंट में 500 रुपीज क्रेडिट कर दिया। और बच्चे फिर से बैंक वालों ने गलती करी और गलती से 300 रुपीज उनके अकाउंट में डेबिट कर दिया, ठीक है। तो बच्चे 500 रुपीज अगर क्रेडिट करा है तो जो ये मेरा ओवरड्रॉन बैलेंस होगा वो बच्चे 500 रुपीज से कम हो जाएगा, और अगर 300 रुपीज बैंक डेबिट करता है तो बच्चे ये ओवरड्रॉन बैलेंस 300 रुपीज से इंक्रीज हो जाएगा। तो अगर मैं नेट में बोलूं तो 200 रुपीज से मेरा जो ओवरड्रॉन बैलेंस है वो बच्चे कम हो जाएगा, बट मेरे को नेट नहीं लेकर चलना, ये कहने की बात है कि ये नेट करा है, बट मेरे को दोनों ट्रांजैक्शन अलग अलग से दिखाने पड़ेंगे। तो बच्चे मेरे को अपने पासबुक का बैलेंस है किससे टैली कराना है, कैशबुक से टैली कराना है। मेरे को अपने पासबुक का बैलेंस कैशबुक से टैली कराना है, तो अल्टीमेटली मैं क्या करूंगा, जो मेरा 500 रुपीज से ओवरड्रॉन बैलेंस था, मतलब ओवरड्रॉन बैलेंस कम हो गया था, वो 500 रुपीज मैं क्या करूंगा, ऐड करूंगा, और 300 रुपीज मैं क्या कर दूंगा, लेस कर दूंगा, तो मेरा काम चल जाएगा। अगर मैं 500 रुपीज ऐड कर देता हूँ, 300 रुपीज लेस कर देता हूँ, तो मेरा पासबुक और कैशबुक का बैलेंस जो होगा वो क्या करेगा, टैली हो जाएगा। तो चलो इसको हम लोग लिखते हैं। तो मैंने यहां पे लिखा थर्ड पॉइंट, रॉन्ग क्रेडिट बाय बैंक। जब मेरा डेबिट बैलेंस एज पर कैशबुक का भी केस होता था,
जब कभी भी मेरा डेबिट बैलेंस एज पर कैशबुक का भी केस होता था तब भी बच्चे मैं ये ऐड ही करता था। तो मैंने यहाँ पे लिखा 500 रुपीज और मैं लेस की तरफ आया, लेस वाले कॉलम पे मैं आया और मैंने यहाँ पे लिखा रॉन्ग डेबिट बाय बैंक, कितना अमाउंट है 300 रुपीज। इसके बाद जो मेरे को ट्रांजैक्शन दे रखा हुआ है, अ चेक फॉर रुपीज 1000 एंटर्ड इन कैश बुक बट ओमिटेड टू बी बैंक ऑन 31st March 2018। तो चलो इस ट्रांजैक्शन को भी समझने की कोशिश करते हैं। तो जो ये मेरा ट्रांजैक्शन नंबर 6 है, तो मैंने यहां पे लिखा कैश बुक और मैंने यहां पे लिखा पासबुक। दो लाइन की मैंने छोटी सी कैश बुक बनाई, दो लाइन की मैंने छोटी सी पासबुक बनाई। यहां पे मेरा ओवरड्रॉन बैलेंस आ रहा है और बच्चे यहां पे मेरा ओवरड्रॉन बैलेंस आ रहा है, ठीक है। अब क्या दे रखा हुआ है, अ चेक फॉर रुपीज 1000 एंटर्ड इन कैश बुक बट ओमिटेड टू बी बैंक। मैंने क्या करा, 1000 रुपीज की चेक रिसीव करी और बच्चे मैंने यहां पे 1000 रुपीज लिख दिया कैश बुक में। बट बच्चे जो ये चेक मेरे को मिली थी 1000 की, वो बच्चे मैं बैंक में भेजना भूल गया, मैं भूल गया और मैंने कैशबुक में एंट्री कर ली, मैं अपने ड्रॉर में रख के भूल गया। हो सकता किसी वजह से मैं बिजी होऊंगा, इसी वजह से मैं बैंक चेक नहीं भेज पाया और बच्चे मैं 31st March को रिकंसिलेशन बना रहा हूं। तो 1000 रुपीज से ये जो मेरा ओवरड्रॉन बैलेंस होगा वो बच्चे रिड्यूस कर गया होगा 1000 रुपीज से, क्योंकि मैंने चेक अपने डेबिट साइड पे लिख रखी है। तो डेबिट साइड से मेरा क्या होगा, ओवरड्रॉन बैलेंस कम हो जाएगा और बच्चे जो ये ओवरड्रॉन बैलेंस यहां पे होगा वो 1000 रुपीज से ज्यादा होगा। तो मेरे को पासबुक से कैशबुक पे आना है, पासबुक से कैशबुक में आना है। तो बच्चे मैं क्या करूंगा, 1000 रुपीज मैं लेस कर दूंगा, मतलब मैं अपने पासबुक का जो बैलेंस होगा, ओवरड्रॉन बैलेंस होगा, वो बच्चे मैं क्या करूंगा 1000 रुपीज से रिड्यूस कर दूंगा, क्योंकि यहां पे 1000 रुपीज से मेरा ओवरड्रॉन बैलेंस कम हो गया। तो मेरे को टैली करने के लिए इसको भी 1000 रुपीज से 1000 रुपीज का ओवरड्रॉन बैलेंस मेरे को कम करना पड़ेगा। तो मैं यहां पे आया और मैंने यहां पे लिखा थर्ड चेक रिकॉर्डेड बट ओमिटेड टू बी बैंक कितना 1000 रुपीज, ठीक है। इसके बाद क्या दे रखा हुआ है, अ बिल रिसीवेबल फॉर रुपीज 5200 प्रीवियसली डिस्काउंटेड। डिस्काउंट कितना है 200 रुपीज का, विद द बैंक हैड बीन डिसऑनर्ड बट द एडवाइस वॉज रिसीव्ड ऑन 1st April 2018। तो मेरा एक बिल रिसीवेबल था, वो बच्चे मैंने डिस्काउंट करा बैंक के साथ। बिल रिसीवेबल मैंने क्या करा, डिस्काउंट करा बैंक के साथ। तो जो बिल रिसीवेबल का अमाउंट था वो कितना था, 5200 रुपीज था और बच्चे डिस्काउंट के बाद बैंक ने मेरे को 5000 रुपीज दे रखे थे। तो अगर मैं कहना चाहूं तो मैं क्या कह सकता हूं, ये कैशबुक है मेरी, ये मेरी पासबुक है, ठीक है। तो समझने की कोशिश करना है यहां पे, ये मेरी क्या है, कैशबुक है और ये मेरी पासबुक है। तो कैशबुक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस यहां पे आ रहा होगा, पासबुक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस यहां पे आ रहा होगा, ठीक है। तो बच्चे मैंने 5200 रुपीज का बिल 5000 रुपीज में डिस्काउंट कराया, तो बच्चे मैंने 5000 रुपीज यहां पे कैशबुक में लिखा होगा और 5000 रुपीज मेरे को यहां बैंक ने मेरे को दे दिया होगा 5000 रुपीज। बट बच्चे जब बैंक मेरे कस्टमर के पास पैसा लेने गई, मेरे कस्टमर के पास पैसा मांगने गई जब बैंक, तो बच्चे मेरे कस्टमर ने पेमेंट ही नहीं करा, मेरे कस्टमर ने पेमेंट नहीं करा। तो बट बैंक को तो पैसा चाहिए ड्यू डेट पे, तो बैंक ने क्या करा, मेरे अकाउंट को 5200 रुपीज से डेबिट कर दिया। बट बच्चे बैंक ने तो मेरे को डेबिट कर दिया, बट मेरे को कब पता चला, 1st April को पता चला कि बैंक ने मेरे अकाउंट को 5200 रुपीज से डेबिट करा है। तो जब मैं 31st March का रिकंसिलेशन बना रहा हूंगा तो मैं देखूंगा कि जो मेरा पासबुक का बैलेंस है, जो मेरा पासबुक का बैलेंस है वो बच्चे 5200 रुपीज से ज्यादा ओवरड्रॉन है, 5200 रुपीज से ओवरड्रॉन है, मतलब 5200 रुपीज से ज्यादा ओवरड्रॉन है और ये 5200 रुपीज से कम ओवरड्रॉन होगा क्योंकि मैंने अभी तक यहाँ पे एंट्री नहीं लिख रखी है। तो मैं कहां पे जा रहा हूं, मैं पासबुक से कैशबुक में जा रहा हूं। तो मैं क्या करूंगा यहां पे 5200 रुपीज को मैं क्या करूंगा, लेस कर दूंगा 5200 रुपीज को मैं क्या करूंगा, लेस कर दूंगा।
तो जब बच्चे मेरा नॉर्मल क्वेश्चन होता था डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक में, तब भी मैं ये 5200 रुपीस लिस्ट करता था। तो मैं यहाँ पे भी मैं लिस्ट करूंगा क्योंकि मेरा ओवरड्रॉन बैलेंस 5200 रुपीस से बढ़ गया और बच्चे कैश बुक का जो बैलेंस है वो 5200 रुपीस से कम है। तो मैं पासबुक से कैश बुक में जा रहा हूँ तो मेरे को अपना ओवरड्रॉन बैलेंस कितने से 5200 रुपीस से कम करना पड़ेगा, जिससे कि मेरी कैश बुक और पासबुक का बैलेंस टैली हो जाए। तो ये मैंने यहाँ पे लिखा बिल रिसीवेबल डिस्काउंटेड एंड डिसऑनर्ड, बिल रिसीवेबल डिस्काउंटेड एंड डिसऑनर्ड कितना अमाउंट दे रखा हुआ है 5200 रुपीस। इसके बाद क्या दे रखा है, अ बिल फॉर रुपीस 10,000 वॉज रिटायर्ड ऑब्लिक पेड बाय द बैंक अंडर अ रिबेट ऑफ रुपीस 175 बट द फुल अमाउंट ऑफ द बिल वॉज क्रेडिटेड इन द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक। तो इसका क्या मतलब हुआ, चलो हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो मैंने यहां पे लिखा 8th नंबर का ट्रांजैक्शन और यहां पे मैंने एक कैश बुक बनाई और यहां पे मैंने एक छोटी सी दो लाइन की पासबुक बनाई, ठीक है। यहां पे ओवरड्रॉन बैलेंस कैश बुक का आ रहा होगा, यहां पे ओवरड्रॉन बैलेंस पासबुक का आ रहा होगा, ठीक है। अब बच्चे 10,000 रुपीज का बिल था जिसका मेरे को पेमेंट करना था, ठीक है। 10,000 रुपीज का बिल था जिसको मेरे को पेमेंट करना था, तो मैंने बैंक से कहा कि आप पेमेंट कर दीजिए। तो बैंक ने क्या करा, कहीं से रिबेट ले लिया मेरे, जिसको मेरे को पेमेंट करना था उससे रिबेट ले लिया और बच्चे बैंक ने जो पेमेंट करा वो कितना पेमेंट करा, 9825 रुपीज का पेमेंट करा। बट बच्चे गलती से मैंने क्या करा, 10,000 रुपीज का पेमेंट अपने कैश बुक में लिख दिया। मैंने पेमेंट आफ्टर रिबेट कितना करा, 9825 का, मतलब मेरे को जो रिबेट मिला है वो कितने का मिला था, 175 रुपीस का रिबेट मिला, डिस्काउंट मिला। तो बैंक ने पेमेंट तो 9825 का करा है बट गलती से मैंने कैश बुक में 10,000 रुपीस का पेमेंट रिकॉर्ड कर लिया, ठीक है। तो बच्चे जो ये ओवरड्रॉन बैलेंस होगा वो 175 रुपीस से इंक्रीज कर गया होगा और बच्चे यहां का जो ओवरड्रॉन बैलेंस होगा वो 175 रुपीस से कम होगा। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, पासबुक से कैश बुक पे जाना होगा। तो मैं बच्चे क्या करूंगा, यहाँ पे 175 रुपीस से अपना ओवरड्रॉन बैलेंस पासबुक का इंक्रीज कर लूंगा। तो मैं कितना ऐड करूंगा, 175 रुपीस। तो मैं यहाँ पे ऐड वाले कॉलम पे आया, मैंने यहाँ पे लिखा फोर्थ, मैंने यहाँ पे क्या लिखा, बिल पेबल बिल्स पेड, बिल्स पेड एंड wrongly recorded in cash book and wrongly recorded in cash book कितना 175 रुपीस, ठीक है 175 रुपीस। इसके बाद जो मेरा लास्ट ट्रांजेक्शन दे रखा हुआ है वो क्या है, अ चेक फॉर रुपीज 2400 डिपॉजिटेड इन टू द बैंक बट ऑमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक एंड वॉज कलेक्टेड बाय द बैंक ऑन 31st March 2018। तो चलो इसको भी हम लोग जल्दी से समझ लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा वर्किंग नोट नंबर 9 और मैंने यहाँ पे छोटा सा दो लाइन का कैश बुक और बच्चे दो लाइन का पासबुक बना लिया। तो यहाँ पे मेरा ओवरड्रॉन बैलेंस आ रहा है और बच्चे यहाँ पे मेरा पासबुक का ओवरड्रॉन बैलेंस आ रहा है। तो बच्चे मैंने क्या करा, 2400 रुपीस की एक चेक डिपॉजिट कर दी बैंक में, मैंने 2400 रुपीस की चेक डिपॉजिट कर दी और बच्चे चेक क्या हो गई, बैंक में मेरे क्रेडिट हो गई। बट बच्चे गलती से मैं अपने कैश बुक में रिकॉर्ड करना भूल गया, मैंने अपने कैश बुक में रिकॉर्ड करने से मैं रह गया, मैं गलती से भूल गया। तो जो ये मेरा पासबुक का बैलेंस होगा वो बच्चे 2400 रुपीस से ओवरड्रॉन बैलेंस मेरा जो होगा वो कम हो जाएगा, मेरा जो ओवरड्रॉन बैलेंस एज पर पासबुक 2400 रुपीस से कम हो जाएगा। बट बच्चे ये जो 2400 रुपीस का ओवरड्रॉन बैलेंस होगा वो बच्चे यहाँ पे ज्यादा होगा, यहाँ पे ओवरड्रॉन बैलेंस 2400 रुपीस से ज्यादा होगा, यहाँ पे ओवरड्रॉन बैलेंस 2400 रुपीस से कम है। तो मैं कहां पे जा रहा हूं, पासबुक से कैश बुक में जा रहा हूं। तो मेरे को अपना ओवरड्रॉन बैलेंस पासबुक का इंक्रीज करना पड़ेगा तभी मेरा कैश बुक से टैली करेगा। तो मैंने यहां पे क्या लिखा, प्लस 2400 और मैंने यहां पे लिखा पॉइंट नंबर फाइव और मैंने यहां पे क्या लिखा, चेक डिपॉजिटेड Not recorded, check deposited, not recorded, कितना 2400 रुपीस। तो बच्चे मैंने अपने सारे के सारे ट्रांजेक्शन्स लिख लिए हैं। अब मैं क्या करता हूँ, टोटल करता हूँ, ऐड का टोटल करता हूँ और लेस का भी टोटल करता हूँ, ठीक है। ऐड का टोटल करता हूँ, लेस का भी टोटल करता हूँ। तो ऐड का जो टोटल आ रहा है
वो कितना आएगा, तो मेरे साथ आप लोग ऐड करिए 2800 रुपीस प्लस 2500 रुपीस प्लस 500 प्लस 175 प्लस 2400, ये कितना आ रहा है 8375। लेस का टोटल कितना आ जाएगा, लेस का तो मैंने यहाँ पे ऐड करा 7500 प्लस 300 प्लस 1000 प्लस 5200, तो ये कितना आ रहा है 14000 रुपीस आ रहा है। ठीक है, ये कितना आ रहा है 14000 रुपीस आ रहा है। तो अब मेरे का जो डेबिट बैलेंस होगा बच्चे ओपनिंग का, वो मेरा यहाँ पे क्लोजिंग में क्या आएगा, क्रेडिट बैलेंस। तो डेबिट का आंसर किसमें आता है, क्रेडिट बैलेंस में, एज पर कैश बुक, क्योंकि ओपनिंग में क्या था, पासबुक था, तो क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक। तो चलो टोटल करो 33575 प्लस 8375 माइनस 14000। तो बच्चे क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक कितना आ रहा है, 27950 आ रहा है। ठीक है, कितना आ रहा है 27950 रुपीस मेरा क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक आ रहा है। तो बच्चे यहां पे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 भी कर लिया, तो हम लोगों ने डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक भी बहुत अच्छे से समझ लिया है। बस सिंपल सा लॉजिक है, जो चीज डेबिट बैलेंस का, डेबिट बैलेंस अगर दे रखा है मेरे को, मतलब डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक है या फिर पासबुक है, ये मेरे लिए इररिलेवेंट है। अगर डेबिट बैलेंस है तो जो आइटम्स कैश बुक की केस में ऐड होते हैं वो बच्चे पासबुक की केस में भी ऐड होंगे, और जो आइटम्स कैश बुक की केस में लेस होते हैं वो मेरे पासबुक की केस में भी लेस होंगे। तो कैश बुक दे रखा है या पासबुक दे रखा है वो मेरे लिए इररिलेवेंट है, बस मेरे को अपने आइटम्स का ट्रीटमेंट आना चाहिए अच्छे से। अगर मेरे को आइटम्स का ट्रीटमेंट आता है तो वेदर इट इज कैश बुक या पासबुक वो मेरे लिए इररिलेवेंट है। बट हमने क्या करा है, बैक लॉजिक भी समझ रखा है कि मेरे को कभी लॉजिकली कुछ करना पड़े, कभी कहीं मैं फंस जाऊं तो मैं अपने लॉजिक्स को यूज करके भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूं, मैं डिटरमाइन कर सकता हूं मेरे को क्या चीजें ऐड करनी है, क्या चीजें मेरे को लेस करनी है। तो ये चीज बच्चे मैंने आपसे डिस्कस कर ली डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक के केस में भी। तो मैं आपको डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक भी बता चुका हूँ और डेबिट बैलेंस एज पर कैशबुक भी पढ़ा चुका हूँ, तो मैंने ये दोनों चीजें कंप्लीट कर ली हैं। अब बच्चे मैं जाना चाहता हूँ किस तरफ, क्रेडिट बैलेंस के केस में। तो मेरे को आपको क्या पढ़ाना है, क्रेडिट बैलेंस एज पर कैशबुक भी पढ़ाना है और क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक भी पढ़ाना है। तो चलो क्रेडिट बैलेंस पे जाने से पहले मैं आपको एक मैथमेटिकल फॉर्मूले से क्रेडिट बैलेंस निकालना सिखाना चाहता हूँ। तो एक सिंपल सा मैथमेटिकल फॉर्मूला, ठीक है, सिंपल सा, बिल्कुल इजी सा, समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इसी एग्जांपल में हम लोग सबसे पहले समझते हैं। अगर ये चीज मेरे को समझ में आ गई तो क्रेडिट बैलेंस का क्वेश्चन मेरा कभी भी गलत नहीं हो सकता। तो थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करके मेरे को सुनना आप। जो बच्चे ये डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक दे रखा है 33575, मैंने इसको अज्यूम कर लिया कि ये क्या दे रखा है, ए। डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक क्या है, ए। और बच्चे जो मैंने आइटम्स ऐड करें उसको मैंने अज्यूम क्या कर लिया, ये क्या है, बी। और बच्चे जो आइटम्स मैंने लेस करें इसका टोटल को अज्यूम कर लिया मैंने क्या, सी। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और बच्चे जो मेरा लास्ट में क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक आ रहा है वो मैंने क्या करा, अज्यूम डी। ठीक है, अब बच्चे समझने की कोशिश करना, मैं एक इक्वेशन बनाने जा रहा हूँ। ठीक है, हमने जो इस क्वेश्चन में किया है उसी की मैं एक इक्वेशन बनाने जा रहा हूँ। तो बच्चे ए मेरा क्या था, ओपनिंग बैलेंस था, तो ए को मैंने यहाँ पे लिखा और ए में मैंने क्या करा था, बी ऐड करा था। बी मेरे क्या थे, ऐड वाले आइटम्स थे, और ए प्लस बी में से मैंने सी को लेस करा था। ये मेरे कौन से सी क्या था, मेरा लेस वाले आइटम्स थे। और बच्चे ए प्लस बी माइनस सी किसके बराबर था, बच्चे डी के बराबर था, जो ये मेरा क्रेडिट बैलेंस निकल के आया। तो मैंने एक इक्वेशन बनाई, ए प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू डी, ए प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू डी। तो ए बच्चे क्या है, मेरा डेबिट बैलेंस था। ठीक है, डेबिट बैलेंस वेदर इट इज एज पर कैश बुक या पासबुक ये मेरे लिए इररिलेवेंट है। ए क्या है, मेरा डेबिट बैलेंस है। ठीक है, बी मेरे ऐड वाले आइटम्स थे और सी मेरे लेस वाले आइटम्स थे। और बच्चे मैंने यहां पे क्या निकाला, क्रेडिट बैलेंस को निकाला। ठीक है, अब समझने की कोशिश करना कि मेरे को डेबिट दे रखा है और बच्चे मेरे को क्रेडिट फाइंड आउट करना है, मेरे को डेबिट दे रखा है और बच्चे मेरे को क्रेडिट फाइंड आउट करना है। अगर बच्चे मेरे को क्रेडिट दे दिया जाएगा और मेरे से पूछा जाएगा कि डेबिट निकालो तो मैं कैसे निकालूंगा, तो समझने की कोशिश करना। मैं यहां पे क्या इक्वेशन बनाऊंगा, ए इज इक्वल टू बी उधर चला जाएगा तो डी माइनस बी, और बच्चे सी उधर जाएगा तो प्लस सी। तो मेरी इक्वेशन क्या बनी, ए इज इक्वल टू डी माइनस बी प्लस सी। तो ए क्या है, मेरे को डेबिट बैलेंस फाइंड आउट करना है, और मेरे पास अगर ओपनिंग में क्रेडिट बैलेंस दे रखा है और बच्चे जो मैंने ऐड करे थे आइटम्स अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, लेस करने जा रहा हूँ। तो मतलब ऐड वाले आइटम्स मेरे अब लेस होंगे और बच्चे जो मैंने लेस कर रखे थे वो आइटम्स अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, ऐड करने जा रहा हूँ। जो आइटम्स मैंने यहाँ पे लेस कर रखे हैं
वो मैं यहाँ पे क्या करने जा रहा हूँ, ऐड करने जा रहा हूँ, और जो आइटम्स मैंने यहाँ पे ऐड करे थे वो बच्चे मैं यहाँ पे लेस करने जा रहा हूँ। तो मतलब मैंने एक चीज डिटरमाइन करी कि अगर डेबिट बैलेंस का क्वेश्चन है तो जो आइटम्स मैं ऐड करता हूँ वो तो ऐड करूंगा ही, और जो आइटम्स मैं लेस करता हूँ वो मैं लेस करूंगा। बट बच्चे अगर क्रेडिट बैलेंस का क्वेश्चन है तो जो आइटम्स डेबिट बैलेंस के केस में ऐड होते हैं वो बच्चे क्रेडिट बैलेंस के केस में लेस होंगे, और जो आइटम्स डेबिट बैलेंस के केस में लेस होते हैं वो बच्चे क्रेडिट बैलेंस के केस में ऐड होंगे। तो सर ये लॉजिक आपने बहुत अच्छे से डिराइव कर दिया। मैं एक बार फिर से बोलना चाहता हूं जिससे कि कोई कंफ्यूजन ना हो, डेबिट बैलेंस अभी तक मेरे को दे रखा होता था, मेरे को क्रेडिट बैलेंस निकालना पड़ता था। मैंने क्या करा, इसको एक इक्वेशन के फॉर्म में लिखा, ए प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू डी। तो मैं यहाँ पे क्या निकालता था, क्रेडिट बैलेंस निकालता था। बट बच्चे अगर मेरे को क्वेश्चन में क्रेडिट बैलेंस दे दिया जाए और मेरे से कहा जाए डेबिट बैलेंस निकाल के दिखाओ, अगर मेरे से कहा जाए डेबिट बैलेंस निकाल के दिखाओ, तो मैं क्या करूंगा, ए को निकालने के लिए मैंने एक इक्वेशन डेवलप करी, ए इज इक्वल टू डी माइनस बी प्लस सी। तो मतलब जो आइटम्स मैं डेबिट बैलेंस के केस में ऐड करता था वो बच्चे मैं लेस करूंगा, और जो मैं आइटम्स लेस करता था डेबिट बैलेंस के केस में वो मैं क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। मतलब डेबिट और क्रेडिट का जो कॉन्सेप्ट हो जाएगा बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा। मतलब जो आइटम्स मैं डेबिट के केस में ऐड करता हूं वो लेस करूंगा, जो आइटम्स मैं लेस करता हूं वो मैं क्या करूंगा, ऐड करूंगा क्रेडिट बैलेंस के केस में। तो मैंने आपको जब एक फॉर्मेट लिखाया था, तो चलो उस फॉर्मेट पे फिर से आते हैं हम लोग। तो मैंने ये क्या करा, ये फॉर्मेट जो आपको लिखा रखा था वो मैंने आज फिर से ओपन करा। तो अब समझने की कोशिश करना, अब डेबिट की जगह मेरा यहां पे क्या दे रखा होगा, क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक या पासबुक। मेरा क्वेश्चन कहां से शुरू होगा, क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक या पासबुक, ठीक है, क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक या पासबुक। और बच्चे जो हम लोग आइटम्स ऐड करते थे, मतलब डेबिट बैलेंस के केस में जो आइटम्स हम ऐड करते थे वो बच्चे अब क्रेडिट बैलेंस के केस में यही आइटम्स मैं क्या करूंगा, लेस करूंगा, क्योंकि ये हमने क्या करा, एक फॉर्मूले से डिराइव करे। जो आइटम्स हम लोग ऐड करते थे डेबिट बैलेंस के केस में ये बच्चे अब सारे के सारे आइटम्स मैं क्या करूंगा, लेस करूंगा, और जो आइटम्स मैं लेस करता था डेबिट बैलेंस के केस में ये बच्चे मैं क्या करूंगा, ऊपर जाके ऐड करूंगा। तो ये आइटम्स मेरे को ऐड करने हैं और बच्चे ये आइटम्स मेरे को लेस करने हैं, ये आइटम्स लेस करने हैं और ये आइटम्स मेरे को ऐड करने हैं। तो आप लोग क्या करिएगा, एक और स्पेसिमेन बनाइएगा इन केस ऑफ क्रेडिट बैलेंस। तो क्रेडिट बैलेंस में क्या हो जाएगा, क्रेडिट बैलेंस मैं यहाँ पे ओपनिंग पे लिख दूंगा, क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक या पासबुक। फिर जो ये लेस वाले आइटम्स होंगे वो पहले ऐड होंगे, और ऐड वाले आइटम्स जो होंगे वो लेस होंगे। तो ये मैं करने के बाद जो मेरा क्लोजिंग में यहाँ पे बैलेंस आएगा, जो मैंने यहाँ पे क्लोजिंग में बैलेंस लिखा था वो क्या आएगा, डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक ऑब्लिक कैश बुक। तो बच्चे बस इतना चेंज है डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस के केस में, ठीक है, बस इतना ही फर्क है डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस के केस में कि जो आइटम्स ऐड होते थे वो बच्चे लेस होंगे, और जो आइटम्स लेस होते थे वो क्या होंगे, ऐड होंगे क्रेडिट बैलेंस के केस में। तो सर ये तो आपने मेरे को समझा दिया कि हम लोग क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन सॉल्व करने का एक तो तरीका आपने बता दिया, अभी तक जो आइटम्स मैं ऐड करता था वो लेस कर दूंगा, और जो आइटम्स मैं लेस करता था वो मैं ऐड करूंगा। बस मेरे को एक बार क्वेश्चन चेक करना पड़ेगा कि ये डेबिट बैलेंस का क्वेश्चन है कि क्रेडिट बैलेंस का क्वेश्चन है, ये मैं चेक करूंगा। उसके बाद मैं डिटरमाइन करूंगा कि मेरे को अपने जो ट्रांजैक्शंस का ट्रीटमेंट है वो कैसे करना है, ठीक है। ये तो सर आपने चीजें तो आपने बता दी कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, बट सर एग्जाम में मेरे को कभी कभी लॉजिक की भी जरूरत पड़ती है। तो बच्चे मैं आपको लॉजिक भी बताऊंगा, पहले मैंने आपको सिखाया कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इसके पीछे का लॉजिक क्या है। तो लॉजिक पे जाने से पहले मैं आपको एक छोटा सा नोट लिखा देना चाहता हूं, तो पहले आप लोग मेरे साथ एक नोट लिखिएगा, मेरे साथ एक नोट लिखिएगा यहां पर नोट। नोट पहले मेरे को क्या दे रखा होता था, ए ए प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू डी। ए मेरा क्या होता था, डेबिट बैलेंस, बी मेरे क्या होते थे, ऐड वाले आइटम्स, और सी मेरे क्या होते थे, लेस वाले आइटम्स। और बच्चे जो मेरा एंड में आंसर आता था वो किस में आता था, क्रेडिट में आंसर आ जाता था, मेरा मतलब ये क्रेडिट बैलेंस आता था। तो अभी तक मैं जो फाइंड आउट करता था वो क्या निकालता था, मैं डी निकालता था, ये मेरा क्वेश्चन मार्क था। बट बच्चे अब मेरा क्वेश्चन मार्क क्या हो गया, मेरे को ए फाइंड आउट करना है। तो मैं क्या करूंगा, एक नई इक्वेशन निकालूंगा, तो मैं क्या लिखूंगा, ए इज इक्वल टू डी, और बच्चे मैं बी को दूसरी साइड पे ले जाना चाहता हूं, तो डी को डी में मैं क्या लेस कर दूंगा बी को, और बच्चे सी को भी मैं दूसरी साइड पे ले जाता हूं, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस सी। तो ए इज इक्वल टू डी माइनस बी प्लस सी, ए इज इक्वल टू
डी माइनस बी प्लस सी। तो हमने क्या करा, एक इक्वेशन डिराइव कर ली। तो ए मेरा अब क्या है, ए मेरा जो है वो डेबिट बैलेंस है, मेरे को डेबिट बैलेंस निकालना है। मेरे को क्रेडिट बैलेंस क्वेश्चन में दे रखा हुआ है। और बच्चे जो आइटम्स मैं पहले ऐड करता था वो यहाँ पे मैं लिस्ट करूंगा, और जो मैं लिस्ट करता था वो मैं यहाँ पे ऐड करूंगा। ठीक है, तो ये चीज आप पहले नोट करो, उसके बाद ये आप लिखो भी। तो मेरे साथ नॉर्मली लिखो, जैसे कि आप लोग अपने व्हाट्सएप के मैसेज लिखते हो, जो आइटम्स हम ऐड करते हैं जो आइटम्स हम ऐड करते हैं डेबिट बैलेंस के केस में वो हम लेस करेंगे, वो हम लेस करेंगे क्रेडिट बैलेंस के केस में, क्रेडिट बैलेंस के केस में। और बच्चे यहां पे एक और नोट लिखो आप मेरे साथ, जो आइटम्स हम लेस करते हैं, जो आइटम्स हम लेस करते हैं क्रेडिट बैलेंस के केस में, जो आइटम हम लेस करते हैं डेबिट बैलेंस के केस में, सॉरी यहां पे लिखना डेबिट बैलेंस, जो आइटम्स हम लेस करते हैं डेबिट बैलेंस के केस में वो हम ऐड करेंगे, वो हम ऐड करेंगे क्रेडिट बैलेंस के केस में, हम ऐड करेंगे क्रेडिट बैलेंस के केस में। तो बच्चे ये मैंने कसम खा ली, मेरे को आइडेंटिफाई करना है पहले कि क्वेश्चन क्या है, डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस का क्वेश्चन है। मेरा जो क्वेश्चन है वो डेबिट बैलेंस का क्वेश्चन है कि क्रेडिट बैलेंस का क्वेश्चन है, उसके बाद मैं डिटरमाइन करूंगा कि मेरे को आइटम्स ऐड करने हैं कि लेस करने हैं। डेबिट बैलेंस का क्वेश्चन है तो बच्चे मैं नॉर्मली ऐड वाले आइटम्स ऐड करूंगा, लेस वाले आइटम्स लेस करूंगा। अगर क्रेडिट बैलेंस का क्वेश्चन है तो लेस वाले आइटम्स ऐड करूंगा और ऐड वाले आइटम्स लेस करूंगा। ये तो बच्चे एक तरीका हो गया क्वेश्चन सॉल्व करने का। अब मैं आपको क्या करने जा रहा हूं, बैक वर्किंग बताने जा रहा हूं। तो मैं जो शुरू करना चाहता हूं वो कहां से शुरू करूंगा, क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक से पहले मैं शुरू करना चाहता हूं। पहले मैं आपको क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक का लॉजिक समझाना चाहता हूं। तो चलो बच्चे शुरू करते हैं। क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक। तो बच्चे इससे रिलेटेड हम लोग कुछ ट्रांजैक्शंस डिस्कस करते हैं पहले। तो जो मेरा ट्रांजैक्शन नंबर वन मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट ₹10,000, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट ₹10,000। तो चलो इसको समझने की कोशिश कर। तो क्रेडिट बैलेंस एज पर क्या दे रखा हुआ है, कैश बुक। तो मैंने क्या करा, एक छोटी सी कैश बुक बनाई और एक छोटी सी दो लाइन की पासबुक बनाई। ठीक है, तो क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक का मतलब क्या हुआ, वो बच्चे क्रेडिट बैलेंस यहां पे आ रहा होगा, ठीक है, और पासबुक में कहां पे आ रहा होगा, यहां पे आ रहा होगा। ठीक है, मैंने चेक इशू करी तो चेक कितने की इशू करी, बच्चे ₹10,000 की चेक इशू करी होगी, तो मैंने यहाँ पे ₹10,000 से एंट्री कर दी। बट बच्चे वो अभी चेक जो है वो बैंक में प्रेजेंट नहीं हुई है पेमेंट के लिए, मतलब ₹10,000 यहाँ पे अभी अपीयर नहीं हो रहे डेबिट साइड ऑफ द पासबुक। तो बच्चे जो मेरा कैश बुक का बैलेंस होगा, जो कैश बुक का ये ओवरड्रॉन बैलेंस होगा, वो बच्चे ₹10,000 से ज्यादा होगा। ओवरड्रॉन बैलेंस जो होगा कैश बुक का वो ₹10,000 से ज्यादा होगा, और बच्चे ये ₹10,000 से कम होगा। अब की बार हम लोग क्या कर रहे हैं, कैश बुक से पासबुक जा रहे हैं, मतलब ₹10,000 से ये ओवरड्रॉन बैलेंस ज्यादा है। तो बच्चे मैं मैच कराने के लिए मेरे को ₹10,000 क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, तभी मेरा कैश बुक का बैलेंस
जो कैश बुक का ओवरड्रॉन बैलेंस है वो बच्चे पासबुक के ओवरड्रॉन बैलेंस से मैच करेगा। तो वही मैंने बताया था, जो हम लोग नॉर्मली ऐड करते हैं वो अब हम लोग क्या करेंगे, लेस करेंगे। चलो और एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं। तो ट्रांजैक्शन नंबर टू, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड रुपीस 1000। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड रुपीस 1000। तो मैंने यहां पे एक छोटी सी कैश बुक बनाई दो लाइन की, और दो लाइन की यहां पे पासबुक बनाई, ठीक है। तो बच्चे यहां पे मेरा ओवरड्रॉन बैलेंस आ रहा होगा और यहां पे ओवरड्रॉन बैलेंस आ रहा होगा। तो मैंने चेक डिपॉजिट करी, तो बच्चे चेक जब डिपॉजिट करी होगी तो मैंने 1000 रुपीज की यहां पे डेबिट साइड पे एंट्री रिकॉर्ड कर ली होगी, और वो एंट्री बच्चे मेरे पासबुक में नहीं आ रही, मतलब चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड, मतलब बैंक अभी तक कलेक्ट नहीं कर पाया चेक को, तो मेरे पासबुक के क्रेडिट साइड में नहीं आ रही है। तो बच्चे जो ये मेरा ओवरड्रॉन बैलेंस है वो 1000 रुपीज से कम होगा इन कंपैरिजन टू पासबुक का ओवरड्रॉन बैलेंस। तो बच्चे अब मैं कहां पे जा रहा हूं, कैश बुक से पासबुक में जा रहा हूं, तो बच्चे 1000 रुपीज मैं क्या करूंगा, ऐड कर दूंगा। तो बच्चे नॉर्मली हम लोग क्या करते थे, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड लेस करते थे, बट बच्चे ये क्रेडिट बैलेंस का केस है तो हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो ये क्या हो गया, इसके पीछे का लॉजिक हो गया, लॉजिक हमने समझ लिया। अब हमें पता है कि अगर जो चीज हम लोग नॉर्मली ऐड करते थे वो हम क्या करेंगे, लेस करेंगे, जो लेस करते थे वो हम ऐड करेंगे। तो बच्चे इससे क्या होता है, मेरा स्पीड बन जाएगा, स्पीड बनने से मैं क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व कर लूंगा, मेरे को बैक वर्किंग का, मेरे को बैक लॉजिक भी पता है। चलो जी और ट्रांजैक्शंस डिस्कस कर लेते हैं इससे रिलेटेड। तो ट्रांजैक्शन नंबर थर्ड पे आता है, डायरेक्ट पेमेंट्स बाय बैंक, रुपीस 1000। तो बच्चे बैंक ने कुछ डायरेक्टली पेमेंट कर दिया, तो ये मेरी क्या है, कैश बुक है, ये मेरी क्या है, पासबुक है, ठीक है। यहां पे मेरा ओवरड्रॉन बैलेंस आ रहा होगा और बच्चे पासबुक में मेरे यहां पे ओवरड्रॉन बैलेंस आ रहा होगा, ठीक है। बैंक ने कुछ पेमेंट कर दी, कितने की पेमेंट कर दी, 1000 रुपीज की पेमेंट कर दी, तो बैंक ने यहां पे लिख दिया 1000 रुपीज डेबिट कर दिया मेरे अकाउंट में। तो बच्चे जो ये ओवरड्रॉन बैलेंस होगा वो 1000 रुपीज से इंक्रीज हो गया होगा, जो ये ओवरड्रॉन बैलेंस एज पर पासबुक आ रहा होगा वो बच्चे 1000 रुपीज से इंक्रीज कर गया होगा, क्योंकि मैंने 1000 रुपीज की पेमेंट करी है, मतलब बैंक ने मेरे बिहाफ में 1000 की पेमेंट करी है। बट बच्चे ये एंट्री यहां पे कहीं पे भी नहीं आ रही है। तो बच्चे जो ये मेरा ओवरड्रॉन बैलेंस होगा वो 1000 रुपीज से कम होगा, तो इसीलिए ये 1000 रुपीज से ज्यादा है। तो अगर हमें दोनों बैलेंसेस को टैली करना है, मतलब जब हम लोग कैश बुक से पासबुक में जा रहे हैं, तो बच्चे मेरे को 1000 रुपीज ऐड करना पड़ेगा। अगर मैं 1000 रुपीज ऐड करता हूं, मतलब 1000 रुपीज की अगर पेमेंट यहां पे दिखाता हूं, ठीक है, यहां पे अगर मैं 1000 रुपीज की पेमेंट दिखाता हूं, तो बच्चे मेरा ये बैलेंस होगा वो मैच हो जाएगा। मतलब अगर 1000 रुपीज मैं पेमेंट साइड पे दिखाऊंगा तो मेरा ओवरड्रॉन बैलेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो इंक्रीज होगा तो मेरे को ऐड करना पड़ेगा, तो मेरा कैश बुक और पासबुक क्या होगा, टैली हो जाएगा। इसके बाद मैं आता हूं ट्रांजैक्शन नंबर फोर पे, डायरेक्ट पेमेंट्स रिसीव्ड बाय बैंक रुपीस 5000। तो चलो फिर से हम लोग एक छोटी सी कैश बुक बनाते हैं दो लाइन की, और पासबुक बनाते हैं दो लाइन की, ठीक है। तो मेरा जो ओवरड्रॉन बैलेंस आ रहा होगा यहां पे आ रहा होगा और यहां पे आ रहा होगा। तो बच्चे बैंक ने डायरेक्टली पेमेंट रिसीव करी, कितने की पेमेंट रिसीव करी, 5000 रुपीज की पेमेंट रिसीव करी, तो बच्चे बैंक ने क्रेडिट कर दिया। तो जो ये मेरा ओवरड्रॉन बैलेंस है वो बच्चे 5000 रुपीज से कम हो गया होगा, और जो ये ओवरड्रॉन बैलेंस है वो 5000 रुपए से ज्यादा आ रहा होगा, ये डिफरेंस होगा। तो बच्चे डिफरेंस को मैच करने के लिए, ठीक है, डिफरेंस को मैच करने के लिए, मतलब ये बैलेंस अगर ज्यादा है तो बच्चे मेरे को कैश बुक से पासबुक में जाना है, तो मैं क्या करूंगा, 5000 रुपीज लेस कर दूंगा। तो नॉर्मली हम लोग क्या करते थे, ऐड करते थे जब डेबिट बैलेंस का होता, तो बट बच्चे ये क्या, क्रेडिट बैलेंस का, तो हम लोग क्या करेंगे, लेस करेंगे। तो ये बच्चे कुछ ट्रांजैक्शन थे क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक से रिलेटेड। तो इससे रिलेटेड मैं चलो पहले आपको एक क्वेश्चन कराता हूं, तो आ जाओ आप लोग मेरे साथ क्वेश्चन नंबर सेवन। तो चलो बच्चे क्वेश्चन नंबर सेवन को रीड करते हैं। ऑन 30th सितंबर 2018
द बैंक अकाउंट ऑफ एक्स वाई जेड अकॉर्डिंग टू द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक वॉज ओवर ड्रॉन टू द एक्सटेंट ऑफ रुपीज 8062. An examination of the cash book and bank statement reveals the following. A check for rupees 11,14,000 deposited on 29th September 2018 was credited by the bank only on 3rd October 2018. A payment by check for rupees 18,000 has been entered twice in the cash book. On 29th September 2018, the bank credited an amount of rupees 1,15,400 received from a customer XYZ, but the advice was not received until 1st October 2018. Iske baad, bank charges amounting to rupees 280 had not been entered in the cash book. On 6th September 2018, the bank credited rupees 30,000 to XYZ in error. A bill of exchange for rupees 1,60,000 was discounted by XYZ with his bank. The bill was dishonored on 28th September 2018, but no entry had been made in the books of XYZ. Check issue up to 30th September 2018, but not presented for payment up to that date, total rupees 13,46,000. A bill payable of rupees 2,00,000 had been paid by the bank, but was not entered in the cash book, and bill receivable for rupees 60,000 has been discounted with the bank at a cost of rupees 1,000, which had also not been recorded in cash book. You are required to show the appropriate rectifications required in the cash book of XYZ to arrive at the correct balance on 30th September and to prepare a bank reconciliation statement as on that date. तो बच्चे जो ये पहला पार्ट दे रखा हुआ है क्वेश्चन का कि to show the appropriate rectifications required in the cash book of XYZ to arrive at the correct balance on 30th September 2018. तो बच्चे इतने पार्ट को अभी इग्नोर करना आप लोग. ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में सिखाऊंगा, ये मैं आज आपको नहीं सिखाऊंगा. जब हमारी नेक्स्ट क्लास होगी तो मैं आपको अपनी नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में सिखाऊंगा जो ये फर्स्ट पार्ट दे रखा है. अभी बस मेरे को इतना समझना है कि मेरे को एक बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनाना है एज ऑन डैट डेट. बस मेरे को बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बना के दिखाना है. इतने पार्ट को अभी मैं इग्नोर कर रहा हूं, इतने पार्ट को अभी आपको रीड आउट नहीं करना है, ठीक है. तो चलो क्वेश्चन को शुरू करते हैं. तो क्वेश्चन जब मैंने रीड करा तो मेरे को क्या दे रखा है, क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक दे रखा है. तो क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक का क्वेश्चन है. तो सबसे पहले मैंने आइडेंटिफाई क्या करना है कि क्वेश्चन जो है वो डेबिट बैलेंस का है कि क्रेडिट बैलेंस का. तो मैंने यहां पर देखा क्या मेरा क्वेश्चन जो है वो किसका है, क्रेडिट बैलेंस का है. तो चलो बच्चे इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं. क्वेश्चन नंबर 7, मेरे को क्या बनाना है, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट. एज ऑन 30th सितंबर 2018, एज ऑन 30th सितंबर 2018, फिर मैंने यहां पे लिखा पर्टिकुलर्स, अमाउंट रुपीस, ठीक है, पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीस. तो चलो बच्चे यहां पे मेरे साथ कॉलम्स ड्रॉ कर लें आप लोग. तो कॉलम्स ड्रॉ करते हैं, तो आप लोगों ने कॉलम्स को ड्रॉ कर लिया होगा. तो चलो इस क्वेश्चन को शुरू करता हूं. तो सबसे पहले मेरे को क्या दे रखा हुआ है, क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक. तो क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक कितना दे रखा हुआ है, 8062. फिर कुछ आइटम्स मेरे को ऐड करने होते हैं और कुछ आइटम्स मेरे को लेस करने होते हैं. तो मैंने कुछ लाइंस छोड़ी और मैंने यहां पे लिखा लेस, ठीक है. तो चलो एक एक ट्रांजैक्शन को रीड आउट करते हैं और देखने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन सा ट्रांजैक्शन मेरे को ऐड करना है, कौन कौन सा ट्रांजैक्शन मेरे को लिस्ट करना है. तो सबसे पहले मेरे को दे रखा हुआ है अ चेक फॉर रुपीज 11,14,000 डिपॉजिटेड ऑन 29th सितंबर 2018 वाज क्रेडिटेड बाय द बैंक ओनली ऑन 3rd अक्टूबर 2018. तो बच्चे 11,14,000 रुपीज की मैंने चेक डिपॉजिट करी बैंक में कलेक्शन के लिए, बट बच्चे बैंक ने 3rd अक्टूबर को करा. तो 30th सितंबर के लिए क्या हो गया, मेरा चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड.
बच्चे मेरे को पता है अगर डेबिट बैलेंस का क्वेश्चन होता था तो चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड मैं लेस करता था, तो बच्चे मेरे को यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा क्योंकि ये क्रेडिट बैलेंस का केस है। डेबिट बैलेंस का होता तो मैं लेस करता, बट बच्चे ये क्रेडिट बैलेंस का केस है इसलिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड, कितना बैलेंस है 11,14,000 रुपीज का, ठीक है। तो चलो अच्छा इस ट्रांजेक्शन को समझ भी लेते हैं, तो मेरे साथ आप लोग वर्किंग नोट एक पे आ जाना, मैं इस ट्रांजेक्शन को अब समझाने जा रहा हूं कि ये ट्रांजेक्शन ऐड क्यों हो रहा है। तो ये मेरी क्या है, कैश बुक है, ये मेरी क्या है, पासबुक है, ठीक है। मेरे कैश बुक में ओवरड्रॉन बैलेंस यहां पर आ रहा होगा, पासबुक में ओवरड्रॉन बैलेंस यहां पर आ रहा होगा। बच्चे मैंने चेक डिपॉजिट करी तो मैंने यहाँ पे कैश बुक में एंट्री करी 11,14,000 रुपीज की, और बच्चे अभी तक जो चेक्स है वो मेरे पासबुक में यहाँ पे क्रेडिट नहीं हो रही है, ठीक है, क्रेडिट यहाँ पे नहीं हुई। तो जो मेरा कैश बुक का ओवरड्रॉन बैलेंस होगा वो बच्चे 11,14,000 रुपीज से कम हो गया होगा। तो बच्चे मैं कहाँ पे जा रहा हूँ, अब की बार कैश बुक से पासबुक में जा रहा हूँ। तो बच्चे टैली करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा 11,14,000 रुपीज अपने कैश बुक के बैलेंस में, इससे क्या होगा मेरा जो पासबुक का बैलेंस होगा वो टैली कर जाएगा। तो बच्चे इसीलिए मैंने क्या कर रखा है, ऐड कर रखा है। ये तो हो गया रीजन, बट क्विकली अगर मेरे को सॉल्व करना है तो मेरे को पता है नॉर्मल केसेस में हम लेस करते हैं, तो इसमें क्या करेंगे, ऐड करेंगे क्योंकि ये क्रेडिट बैलेंस का केस है। तो बच्चे मेरे को स्पीड लानी है। इसके बाद क्या दे रखा है, अ पेमेंट बाय चेक फॉर रुपीज 18,000 हैज बीन एंटर्ड ट्वाइस इन द कैश बुक। अब चलो इसको भी समझते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा ट्रांजेक्शन नंबर टू, यहाँ पे मैंने एक छोटी सी कैश बुक बनाई और बच्चे मैंने यहाँ पे एक छोटी सी पासबुक बनाई। तो कैश बुक और पासबुक, ठीक है, कैश बुक और पासबुक। तो यहां पे मेरा ओवरड्रॉन बैलेंस आ रहा होगा बच्चे, और पासबुक में यहां पे ओवरड्रॉन बैलेंस आ रहा होगा, ठीक है। अब समझने की कोशिश करना, मैंने एक चेक इशू करी 18,000 रुपीज की, तो बच्चे मैंने 18,000 रुपीज यहां पे लिखा, ठीक है, और ये 18,000 रुपीज मेरे पासबुक में भी आ रहा है, ठीक है। बट बच्चे गलती से मैंने 18,000 दो बार कैश बुक में लिख दिया, और बच्चे पासबुक में तो एक ही बार आ रहा है। तो बच्चे जो मेरा ये ओवरड्रॉन बैलेंस होगा वो बच्चे इंक्रीज हो गया होगा 18,000 रुपीज से, क्योंकि मैं अगर पेमेंट करता हूं तो मेरा ओवरड्रॉन बैलेंस इंक्रीज हो जाता है, ये 18,000 रुपीज से ज्यादा आ रहा होगा। और जो मेरा पासबुक का बैलेंस है, मैं कहां से जा रहा हूँ, कैशबुक से पासबुक में जा रहा हूँ, तो पासबुक का बैलेंस 18,000 रुपीज से लेस है। तो बच्चे मेरे को अपने कैशबुक का ओवरड्रॉन बैलेंस मेरे को 18,000 रुपीज से रिड्यूस करना पड़ेगा, ठीक है, मेरे को 18,000 रुपीज से क्या करना पड़ेगा, तो 18,000 रुपीज से मेरे को लेस करना पड़ेगा। मैंने यहां पे लिखा चेक एंटर्ड ट्वाइस इन कैश बुक, चेक एंटर्ड ट्वाइस इन कैश बुक, अमाउंट कितना है 18,000 रुपीज। इसके बाद क्या दे रखा हुआ है, ऑन 29 सितंबर 2018 The bank credited an amount of rupees 1,15,400 received from a customer XYZ, but the advice was not received until 1st October 2018. तो चलो इस ट्रांजेक्शन को पहले समझने से पहले हम लोग डायरेक्ट ट्रीटमेंट करते हैं। तो बच्चे मेरे को 1,15,400 रुपीज रिसीव हुआ कस्टमर से, 1,15,400 रुपीज मेरे को कस्टमर से रिसीव हुआ। तो बच्चे नॉर्मल केसेस में, डेबिट बैलेंस के केसेस में मैं क्या करता था, इसको ऐड करता था, बट बच्चे ये क्रेडिट बैलेंस का केस है तो यहां पे मैं क्या करूंगा, लेस करूंगा। तो मैं क्या लिख सकता हूं, चेक कलेक्टेड, या फिर मैं कह सकता हूं चेक नहीं है, मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं, बैंक क्रेडिटेड एन अमाउंट, या फिर मैं डायरेक्टली लिख देता हूं यहां पे कस्टमर कलेक्शन रिसीव्ड बाय बैंक कितना 1,15,400 रुपीज। तो अब चलो इसको समझते हैं, ये मेरी कैश बुक है और ये मेरी पासबुक है, ठीक है, ये मेरी कैश बुक है और बच्चे ये मेरी पासबुक है। तो दो दो लाइन की मैंने ड्रॉ करी, यहाँ पे ओवरड्रॉन बैलेंस आ रहा हो, ठीक है, मेरे कस्टमर ने 1,15,400 रुपीज डिपॉजिट कर दी।
तो बच्चे 1,15,400 रुपीज से मेरा क्या हो गया, ओवरड्रॉन बैलेंस कम हो गया, मेरा ओवरड्रॉन बैलेंस कम हो गया। और बच्चे यहाँ पे ओवरड्रॉन बैलेंस 1,15,400 से ज्यादा आ रहा होगा। तो बच्चे मेरे को कैश बुक से पासबुक में जाना है, तो मेरे को कैश बुक से पासबुक को टैली करना है, तो मेरे को ओवरड्रॉन बैलेंस कम करना पड़ेगा कितने से, 1,15,400 से, मतलब मैं माइनस करूंगा। तो बच्चे वही मैंने कर रखा है, ठीक है। इसके बाद क्या दे रखा हुआ है कि बैंक चार्जेस अमाउंटिंग टू ₹280 हैड नॉट बीन एंटर्ड इन द कैश बुक। बच्चे बैंक चार्जेस थे, बैंक ने मेरे से बैंक चार्जेस लिए, तो बच्चे बैंक चार्जेस नॉर्मली मैं क्या करता था, लेस करता था। बट बच्चे ये क्रेडिट बैलेंस का केस है, तो मैं क्या करूंगा, बैंक चार्जेस ऐड कर दूंगा। बैंक चार्जेस मैंने यहाँ पे ऐड करे, कितना अमाउंट है, ₹280। चलो इसको भी समझ लेते हैं एक बार। तो ये बच्चे मेरी कैश बुक और ये मेरी पासबुक, दो दो लाइन की मैंने बनाई, ओवरड्रॉन बैलेंस यहाँ यहाँ पे आ रहे होंगे। बच्चे बैंक ने ₹280 मेरे से चार्ज करे, तो मैंने क्या करा होगा, डेबिट करा होगा। और बच्चे बैंक ने चार्ज करे तो यहाँ पे जो मेरा ओवरड्रॉन बैलेंस है वो बच्चे ₹280 से ज्यादा होगा, ठीक है। यहाँ पे ओवरड्रॉन बैलेंस ₹280 से कम होगा, तो बच्चे मेरे को जब कैशबुक से पासबुक में जाना होगा तो बच्चे मैं ₹280 ऐड करूंगा अपने कैशबुक के बैलेंस में। तो बच्चे मैंने ₹280 ऐड ही करा है, ठीक है, ऐड कर रखा है। तो ये क्या हो गया, इसका एक्सप्लेनेशन हो गया मैंने क्यों करा, ठीक है। तो उसके बाद क्या दे रखा है, ऑन 6 September 2018 द बैंक क्रेडिटेड ₹30,000 टू XYZ इन एरर। तो बच्चे बैंक ने गलती से मेरे को ₹30,000 क्रेडिट कर दिया। तो बच्चे अगर मेरे को बैंक गलती से क्रेडिट करता है तब भी मैं क्या करता था, ऐड करता था नॉर्मल डेबिट बैलेंस के केस में। तो इस बार मैं क्या करूंगा, लेस करूंगा। नॉर्मली मैं क्या करता था, ऐड करता था अगर बैंक मेरे को गलती से कोई अमाउंट कोई क्रेडिट कर देता था डेबिट बैलेंस के केस में। बट बच्चे ये जो क्वेश्चन है वो किसका है, क्रेडिट बैलेंस का है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, लेस करूंगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा रॉन्ग क्रेडिट बाय बैंक, रॉन्ग क्रेडिट बाय बैंक, कितना अमाउंट है, रॉन्ग क्रेडिट बाय बैंक अमाउंट कितना है, ₹30,000। चलो इसको भी समझ लेते हैं एक बार जल्दी से। फिफ्थ, कैश बुक और ये क्या है, पासबुक, ठीक है। यहाँ पे मेरे ओवरड्रॉन बैलेंस आ रहे होंगे, बैंक ने ₹30,000 गलती से क्रेडिट कर दिया। तो बच्चे जो मेरा ओवरड्रॉन बैलेंस है वो ₹30,000 से लेस हो गया होगा, और ये जो ओवरड्रॉन बैलेंस एज पर कैश बुक आ रहा है वो बच्चे ज्यादा आ रहा है। तो मेरे को कैश बुक से पासबुक में जाना है, तो बच्चे मेरे को ₹30,000 क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद मेरे को क्या दे रखा हुआ है कि अ बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर ₹1,60,000 वॉज डिस्काउंटेड बाय XYZ विद हिज बैंक। द बिल वॉज डिसऑनर्ड ऑन 28 September 2018 बट नो एंट्री हैड बीन मेड इन द बुक्स ऑफ XYZ। तो बच्चे जब कभी भी मैं बिल ऑफ एक्सचेंज डिस्काउंट कराता हूं बैंक से, और बच्चे वो बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर हो जाता है, तो बैंक क्या करता है, मेरे से पेमेंट ले लेता है। बैंक जाता है पहले कस्टमर के पास पेमेंट मांगने, तो बच्चे मेरा कस्टमर पेमेंट नहीं देता है, तो बैंक मेरे से पेमेंट ले लेता है, मेरे अकाउंट में बैंक क्या करता है, डेबिट कर देता है। तो बच्चे नॉर्मल केसेस में मैं क्या करता था, लेस करता था जब मैं डेबिट बैलेंस का क्वेश्चन करता था। बट बच्चे अब मैं क्या करूंगा, ऐड करूंगा, क्योंकि ये क्रेडिट बैलेंस का है। तो मैंने यहाँ पे लिखा थर्ड, और थर्ड लिख के मैंने यहाँ पे लिखा बिल रिसीवेबल डिस्काउंटेड एंड डिसऑनर्ड, एंड डिसऑनर्ड अमाउंट कितना है, 1,60,000 रुपीज, 1,60,000 रुपीज। तो चलो इसको एक बार समझ भी लेते हैं जल्दी से। यहाँ पे मैंने लिखा सिक्स्थ, मैंने एक छोटी सी कैश बुक बनाई दो लाइन की, और बच्चे मैंने पासबुक बनाई दो लाइन की, ठीक है। यहाँ पे मेरे क्या आ रहे होंगे, ओवरड्रॉन बैलेंस आ रहे होंगे। तो बच्चे पहले मैंने क्या करा होगा, अपना बिल रिसीवेबल डिस्काउंट कराया होगा बैंक से। तो बच्चे मेरे को 1,60,000 रुपीज रिसीव हुए, और बच्चे 1,60,000 यहाँ पे भी मैंने अपने क्रेडिट साइड पे पासबुक पे लिख दिया। फिर बच्चे मेरा बैंक जो है, बैंक है वो कस्टमर के पास पैसे मांगने गया, तो कस्टमर ने पैसे नहीं दिया, तो बैंक ने क्या करा, मेरे अकाउंट को 1,60,000 रुपीज से डेबिट कर दिया। तो बच्चे जो ये ओवरड्रॉन बैलेंस है वो 1,60,000 रुपीज से इंक्रीज हो गया, क्योंकि बैंक ने मेरे से 1,60,000 रुपीज ले लिया। तो बच्चे ये जो ओवरड्रॉन बैलेंस है वो कम आ रहा होगा, ठीक है। तो बच्चे जब मैं कैशबुक से पासबुक जाऊंगा तो मेरे को अपने ओवरड्रॉन बैलेंस को इंक्रीज करना पड़ेगा, तो प्लस 1,60,000 रुपीज करना पड़ेगा।
ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसके पीछे का लॉजिक हो गया। इसके बाद मैं आता हूं अगले पॉइंट में। तो अगला पॉइंट क्या दे रखा हुआ है मेरे को, तो अगला पॉइंट है चेक इशू अप टू 30th September 2018 बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट अप टू दैट डेट टोटल्ड रुपीज 13,46,000। तो बच्चे चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट मैं नॉर्मली क्या करता था, ऐड करता था, बट बच्चे ये क्रेडिट बैलेंस का केस है तो बच्चे मैं क्या करूंगा, लेस करूंगा। तो मैंने यहां लिखा चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। और अमाउंट कितना दे रखा हुआ है, तो बच्चे अमाउंट है मेरे पास 13,46,000 का, वो मैंने क्या करा, लेस कर दिया। चलो इसको एक बार हम लोग समझ भी लेते हैं जल्दी से। तो मेरे साथ फिर से एक बार आप लोग वर्किंग नोट पे आ जाइए। तो वर्किंग नोट, तो ये वर्किंग नोट नंबर मेरा शायद है वर्किंग नोट नंबर 7। तो मैंने यहाँ पे लिखा 7। तो यहाँ पे मेरी एक छोटी सी कैश बुक और छोटी सी एक पासबुक, दो दो लाइन की मैंने बनाई। यहाँ पे मेरा क्या आ रहा होगा, कैश बुक में ओवरड्रॉन बैलेंस और बच्चे यहाँ पे पासबुक में ओवरड्रॉन बैलेंस आ रहा होगा। ठीक है, अब समझने की कोशिश करना। कि बच्चे मैंने कुछ चेक इशू करी थी पेमेंट के लिए, तो जैसे ही मैंने चेक इशू करी, मैंने यहाँ पे क्या एंट्री करी होगी, 13,46,000 रुपीज से मैंने यहाँ पे पेमेंट साइड पे एंट्री कर दी होगी। बट बच्चे यहाँ पे तो डेबिट साइड में पासबुक के आई नहीं रही है एंट्री, तो मैंने जब पेमेंट की एंट्री करी होगी तो बच्चे जो मेरा ये ओवरड्रॉन बैलेंस होगा वो 13,46,000 रुपीज से इंक्रीज कर गया होगा। 13,46,000 रुपीज से मेरा ओवरड्रॉन बैलेंस कैशबुक का इंक्रीज कर गया होगा, बट बच्चे पासबुक का ओवरड्रॉन बैलेंस कम होगा। तो मैं यहाँ पे कैशबुक से पासबुक पे जा रहा हूं, तो मेरे को टैली करने के लिए अपने ओवरड्रॉन बैलेंस को -13,46,000 रुपीज करना पड़ेगा, तभी मेरा कैशबुक और पासबुक का बैलेंस जो है वो क्या करेगा, टैली होगा। तो चलो मैंने क्या कर रखा है यहाँ पे, मैंने यहाँ पे लेस ही कर रखा है। ठीक है, मैंने यहाँ पे लेस कर रखा है। ठीक है, तो मैंने मतलब सही ट्रीटमेंट कर रखा है। इसके बाद क्या दे रखा है कि अ बिल पेएबल ऑफ ₹2,00,000 हैड बीन पेड बाय द बैंक बट वॉज नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक एंड बिल रिसीवेबल फॉर ₹60,000 एंड हैड बीन डिस्काउंटेड विद द बैंक एट अ कॉस्ट ऑफ ₹1,000 विच हैड ऑल्सो नॉट बीन रिकॉर्डेड इन कैश बुक। तो बच्चे मैं एक बिल पेएबल रिकॉर्ड करना भूल गया, और बच्चे एक मैं बिल रिसीवेबल जो मैंने डिस्काउंट करा रखा है बैंक से वो भी मैं रिकॉर्ड करना भूल गया। तो चलो मैं इसको रिकॉर्ड कर लेता हूं। तो बिल पेएबल है, तो बच्चे बिल पेएबल जो 2,00,000 रुपीज का था वो बच्चे बैंक ने पे कर दिया। तो बच्चे जब मैं नॉर्मल डेबिट बैलेंस की केस में क्या करता था, इसको लेस करता था, बट बच्चे ये क्रेडिट बैलेंस का केस है तो मैं क्या करूंगा, ऐड करूंगा। मैंने यहां पे लिखा बिल्स पेबल पेड बाय बैंक कितना, 2,00,000 रुपीज। तो चलो पहले मैं इसको समझा देता हूं, फिर मैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे आता हूं। तो यहां पर मैंने लिखा वर्किंग नोट नंबर 8 कैश बुक और पासबुक, यहां पे मेरा बच्चे ओवरड्रॉन बैलेंस आ रहा होगा और यहां पे पासबुक में ओवरड्रॉन बैलेंस आ रहा होगा। ठीक है, बैंक ने क्या करा, 2,00,000 रुपीज का पेमेंट कर दिया बिल्स पेबल का। ठीक है, तो जो ये मेरा ओवरड्रॉन बैलेंस है बैंक का वो क्या हो गया होगा, 2,00,000 रुपीज से इंक्रीज कर गया होगा। ठीक है, मेरे को कैश बुक से पासबुक जाना है तो बच्चे मेरे को अपना ओवरड्रॉन बैलेंस 2,00,000 रुपीज से इंक्रीज करना पड़ेगा। तो यहां पर 2,00,000 रुपीज से अगर मैं इंक्रीज करता हूं तो मेरा कैश बुक और पासबुक का जो बैलेंस है वो क्या होगा, टैली हो जाएगा। तो बच्चे मैंने 2,00,000 रुपीज क्या करा था, ऐड करा था। तो साथ ही साथ मैं क्या करता हूं, यहां पे बिल रिसीवेबल वाला भी मैं बता देता हूं। ठीक है, तो चलो कैश बुक और पासबुक, ठीक है, कैश बुक और पासबुक, यहां पे मेरा आ रहा है ओवरड्रॉन बैलेंस और यहां पे आ रहा है मेरा ओवरड्रॉन बैलेंस। ठीक है, अब समझने की कोशिश करना। मैंने क्या करा, बिल रिसीवेबल था मेरे पास 60,000 का, वो बच्चे मैंने एट अ कॉस्ट ऑफ ₹1,000, बच्चे बैंक को चार्जेस लेता है जब कभी भी मैं अपना बिल रिसीवेबल डिस्काउंट कराता हूं, तो बच्चे बैंक ने 1,000 रुपीज मेरे से चार्ज करा, तो मतलब मेरे को 59,000 रुपीज दे रखे होंगे। तो मैंने 50,000 रुपीज की जो एंट्री थी वो कैश बुक में मैं करना भूल गया, बट बच्चे बैंक ने 59,000 रुपीज मेरे पासबुक में एंट्री कर रखी है। 59,000 रुपीज मेरे को रिसीव हुआ बैंक में और मैं इसकी एंट्री यहां पे करना भूल गया हूं।
मैं इसकी एंट्री करना भूल गया, तो बच्चे जो मेरा पासबुक का बैलेंस है, पासबुक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस है, वो बच्चे 59,000 रुपीज से कम हो गया होगा, ठीक है। बट मेरे कैशबुक का जो बैलेंस है, ओवरड्राफ्ट बैलेंस, वो बच्चे क्या होगा, ज्यादा आ रहा होगा। तो मेरे को कैशबुक से पासबुक जाना है, मेरे को कैशबुक से पासबुक में जाना है, तो बच्चे मैं क्या करूंगा, 59,000 रुपीज लेस कर दूंगा, मैं 59,000 रुपीज लेस कर दूंगा। तो मैं यहाँ पे आया लेस वाले साइड पे, मैंने यहाँ लेस पे लिखा पॉइंट नंबर 5, और यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं, बिल रिसीवेबल डिस्काउंटेड नॉट एंटर्ड इन कैश बुक, अमाउंट कितना है बच्चे, 59,000 रुपीज, ठीक है। तो मैंने क्या करा, अपने सारे के सारे ट्रांजैक्शंस को यहाँ पे लिख लिया। तो चलो टोटल करते हैं, पहले अपने ऐड साइड का टोटल करते हैं, ऐड वाले कॉलम का। तो ऐड वाले कॉलम का क्या टोटल आ जाएगा, मेरे को जल्दी से बता दो आप लोग। तो ऐड वाले कॉलम का टोटल आ रहा है, तो जो ये टोटल आ रहा है वो कितना आ रहा है, 14,74,280, ठीक है। और बच्चे जो लेस वाले कॉलम का टोटल आ रहा है वो कितना आ रहा है, 15,68,400 रुपीस। तो मैंने क्या करा, 8,062 प्लस 14,74,280 करा, माइनस 15,68,400। ओ माय गॉड बच्चे, ये तो नेगेटिव में टोटल आ रहा है। तो बच्चे ये क्या है, ये एक एक्सेप्शन है, ये क्या है, एक एक्सेप्शन है, जो मैंने आपको बताया था कि 5% केसेस होते हैं ऐसे, जो मेरे क्रेडिट बैलेंस का आंसर जब क्रेडिट बैलेंस में आता है, ठीक है, जब ये नेगेटिव बैलेंस आएगा, तो मतलब बच्चे क्या हो रहा है, जो ये मेरा क्रेडिट बैलेंस एज पर कैशबुक है, क्रेडिट बैलेंस एज पर कैशबुक है, तो मेरा जो क्लोजिंग आंसर आएगा, अगर ये नेगेटिव आ रहा है, मतलब क्रेडिट का बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस ही आएगा नीचे भी। तो मैंने यहां लिखा क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। तो जो मैंने आपको 5% एक्सेप्शंस बताए थे, वो बच्चे इसी में से ये केस है। तो चलो एक बार और मैं समझने की कोशिश करता हूं। बच्चे मैंने क्या करा, इसको लिखा ए, इसको लिखा बी, ठीक, और बच्चे इसको मैंने लिखा सी, ठीक, ए बी सी, और जो मेरा टोटल आया डी, ठीक है। अगर मैं ए प्लस बी का टोटल करता हूं, तो यहां पे मेरे पास स्पेस खाली है, मैं यहीं पे आपको दिखाता हूं, ए प्लस बी का अगर टोटल, ए प्लस बी का टोटल लेस देन सी है, तो बच्चे मेरा जो क्लोजिंग बैलेंस आएगा वो नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आएगा, मतलब मेरे ए प्लस बी का टोटल कम है, किससे कम है, सी से, लेस वाले आइटम से। तो बच्चे जब मैं लेस करूंगा तो मेरा आंसर नेगेटिव ही तो आएगा। तो नेगेटिव अगर आंसर आ रहा है, मतलब क्रेडिट बैलेंस का ओपनिंग था, तो बच्चे क्रेडिट बैलेंस का क्लोजिंग भी होगा। अगर मेरा ए प्लस बी ग्रेटर देन सी है, जो अभी तक केसेस में हो रखा है, ठीक है, अभी तक इससे पहले मैंने जितने भी क्वेश्चंस कराए थे उसमें ए प्लस बी ग्रेटर था सी से, तो बच्चे हमेशा मेरा पॉजिटिव आता था। जब कभी भी पॉजिटिव आएगा वो मतलब क्या होगा, क्रेडिट का आंसर डेबिट में आएगा, या फिर डेबिट का आंसर क्रेडिट में आएगा, ठीक है। अगर नेगेटिव आ रहा है तो मतलब क्रेडिट का आंसर क्रेडिट में आएगा और डेबिट का आंसर डेबिट में आएगा। ये बच्चे सिंपल मैथ्स है, सोचने की कोशिश करो, ए प्लस बी का टोटल अगर सी से कम है तो मेरा ऑटोमेटिकली यहां पे नेगेटिव आएगा। अगर नेगेटिव आ रहा है तो बच्चे ये क्या डिनोट कर रहा होगा, मेरा ओपनिंग का क्रेडिट है, तो बच्चे क्लोजिंग का भी क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, मतलब ये क्लोजिंग में मेरा क्या आ रहा है, फेवरेबल बैलेंस आ रहा है। ओपनिंग में मेरा क्या आ रहा था, अनफेवरेबल बैलेंस आ रहा था। तो ये बच्चे क्या है, एक एक्सेप्शन है, ये क्या है मेरा, एक एक्सेप्शन है, मेरा ओपनिंग का अनफेवरेबल बैलेंस था, बट बच्चे क्लोजिंग का फेवरेबल बैलेंस आ रहा है। तो ये तभी पॉसिबल है जब मेरा लेस वाले का टोटल, लेस वाले कॉलम का टोटल ऐड वाले प्लस ओपनिंग के टोटल से मैच हो रहा है, मतलब ए प्लस बी का जो टोटल है वो अगर कम है सी से, ए प्लस बी का जो टोटल है वो सी से अगर कम है, तो बच्चे आंसर नेगेटिव में आएगा, मतलब क्रेडिट का आंसर क्रेडिट में आएगा, डेबिट का आंसर डेबिट में आएगा। बट बच्चे ए प्लस बी का जो टोटल है वो ज्यादा है किससे, सी से, तो बच्चे आंसर पॉजिटिव में आएगा, मतलब क्रेडिट का डेबिट में, डेबिट का क्रेडिट में। ये हमने क्या पढ़ा, एक्सेप्शन के बारे में जानने की कोशिश करी। तो बच्चे कभी कभी ऐसा हो सकता है आपको, यहाँ पे जब एग्जाम आप कर रहे हो तो यहाँ पे गलती से नेगेटिव आ रहा हो, तो समझ जाना
कि जो आपका आंसर है, अगर ओपनिंग आपने क्रेडिट से कर रखी है तो क्लोजिंग भी क्रेडिट में आएगी, अगर आपने ओपनिंग डेबिट से कर रखी है तो क्लोजिंग भी डेबिट में आएगी। तो ये मेरा क्या था, एक्सेप्शन था, जो 5% केसेस होते हैं। तो चलो मैं एक बार और इसको बहुत अच्छे से लिखवा देता हूं, ठीक है। तो यहां पे मेरे साथ नोट करना, नोट, ठीक है, नोट। इफ ए प्लस बी, ठीक है, ए प्लस बी इज ग्रेटर देन सी, तो जो मेरा एंड का बैलेंस आ रहा होगा वो मेरा पॉजिटिव आ रहा होगा। पॉजिटिव अगर मेरा बैलेंस आ रहा है तो बच्चे जो मेरा स्टार्टिंग में बैलेंस है, वेदर इट इज पर कैश बुक या पासबुक, तो अगर वो स्टार्टिंग का डेबिट का है तो बच्चे एंड में क्या आएगा, क्रेडिट आएगा। अगर स्टार्ट मैंने डेबिट से कर रखी है तो एंड मेरी किससे होगी, क्रेडिट से होगी। और सिमिलरली अगर स्टार्ट मेरी क्रेडिट से है तो बच्चे मेरी एंड कहाँ से होगी, डेबिट से होगी, ठीक है। ये तो पहला केस हो गया। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो मेरा सेकंड केस पे मैं अगर लिखना चाहूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, ए प्लस बी का टोटल है वो बच्चे लेस है सी से, तो मेरा जो आएगा क्लोजिंग बैलेंस वो क्या आएगा, नेगेटिव में आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैंने अपने क्वेश्चन को डेबिट बैलेंस से स्टार्ट कर रखा है तो मेरा जो एंड होगा वो भी किस में आएगा, डेबिट में आएगा। और अगर मैंने स्टार्ट कर रखा है क्रेडिट बैलेंस से तो मेरा एंड भी किससे होगा, क्रेडिट बैलेंस से होगा। तो ये चीज मेरा क्या था, एक्सेप्शन था, ठीक है। तो हो सकता है डेबिट का आंसर डेबिट में आ जाए, क्रेडिट का आंसर क्रेडिट में आ सके। तो बच्चे ये बहुत मिनिमम होता है, बहुत कम चांसेस में होता है, बट कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं जिससे कि बच्चे कंफ्यूज हो जाए। तो बहुत से बच्चों को ये चीजें नहीं मालूम होती हैं। अगर आपको मालूम है तो आप क्या करेंगे, दूसरे बच्चों के अगेंस्ट एक्सेल कर लेंगे, ठीक है। तो इन एक्सेप्शंस को बहुत अच्छे से समझ लो। अगर a प्लस बी का टोटल ग्रेटर देन c है तो बच्चे स्टार्ट का अगर डेबिट है तो क्रेडिट में आएगा एंड में, अगर स्टार्ट का क्रेडिट है तो एंड में डेबिट आएगा। अगर a प्लस बी का टोटल है वो लेस देन c है तो बच्चे जो क्लोजिंग आएगा वो नेगेटिव में आएगा। तो मतलब अगर स्टार्ट डेबिट से करिए तो एंड भी डेबिट से करोगे, स्टार्ट क्रेडिट से करिए तो बच्चे एंड भी क्रेडिट से करोगे आप। तो बच्चे हमने आपको एक्सेप्शन के बारे में भी बता दिया। तो ये हो सकता है एक्सेप्शन आपको एग्जाम में मिल जाए, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन देखो तो बच्चे ICAI नवंबर 19 में आया था, मतलब ICAI नवंबर 19 जो इससे पहले वाला अटेम्प्ट है, क्योंकि अभी तक मई 20 का अटेम्प्ट अभी तक हुआ नहीं है। मई 20 का अटेम्प्ट है वो जुलाई में होने की उम्मीद है, तो मई 20 का अटेम्प्ट अभी तक हुआ नहीं है। तो ये लेटेस्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन है जो पूछा गया, इसमें ये चीज पूछी गई है, ठीक है। अभी मैंने आपको इतना पार्ट नहीं पढ़ाया, तो ये तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करूंगा, ठीक है। तो बच्चे आज के लिए हम लोग इस क्लास के लिए इतना ही रखते हैं, इस क्लास के लिए इतना ही रखते हैं। तो इस आज की क्लास में मैंने आपको बहुत सी बातें बताई, पहले मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस कराए, तो मैंने आपको तीन चीजें मैं आपको पढ़ा चुका हूं। क्या क्या पढ़ा चुका हूं, मैंने आपको डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक समझा दिया बहुत अच्छे से, ठीक है। डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक भी मैंने समझा दिया, ठीक है। फिर मैंने आपको क्रेडिट बैलेंस एज पर कैशबुक भी आपको समझा दिया। अब जो मेरा रह गया, मतलब ये तीनों टॉपिक्स तो मैंने आपको करवा दिए, ठीक। इसके बाद मैंने आपको 5% जो एक्सेप्शंस होते थे वो भी आज मैंने आपको बता दिए। अब जो मेरे दो टॉपिक्स रह गए, एक मेरे को आपको समझाना है क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक के केसेस, एक तो मेरे को ये समझाना है नेक्स्ट क्लास में, और बच्चे मेरे को आपको एडजस्टेड कैशबुक बनाना सिखाना है। एडजस्टेड कैशबुक कैसे बनाई जाती है ये मेरे को आपको सिखाना है। तो ये दोनों टॉपिक्स हैं जो बच्चे मेरे को नेक्स्ट क्लास में आपको बताने होंगे, ठीक है। ये दोनों टॉपिक्स अभी मेरे नेक्स्ट क्लास के लिए रह गए, तो इन दोनों को मैं नेक्स्ट क्लास में कर लूंगा। अगर मैं क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक की बात करूं तो ये बच्चे आपको ट्रीटमेंट आपको आता है, आपको पता है कि जो चीज डेबिट बैलेंस के केस में ऐड होती है वो बच्चे क्रेडिट बैलेंस के केस में लेस होगी, और जो चीजें डेबिट बैलेंस के केस में लेस होती हैं वो बच्चे क्रेडिट बैलेंस के केस में क्या होगी, ऐड होगी। ट्रीटमेंट तो आपको पता है, बस मेरे को मतलब समझाना है, वो मैं मतलब आपको नेक्स्ट क्लास में बहुत अच्छे से समझा दूंगा। उसके बाद मैं आपको एडजस्टेड कैशबुक भी बनाना सिखाऊंगा। तो उसके साथ उसके बाद क्या होगा, मेरा जो BRS का टॉपिक है वो फिनिश हो जाएगा। तो चलो बच्चे आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो सर क्या आज हम लोगों को होमवर्क नहीं मिलेगा, मिलेगा बच्चे क्यों नहीं मिलेगा। तो चलो मेरे साथ आप लोग होमवर्क को नोट करिए। तो होमवर्क
तो होमवर्क मेरे साथ आप लोग नोट करिए, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 6, 11 एंड 14, ठीक है। तो आपको पांच क्वेश्चंस जो ये लिख रखे हैं मैंने, उसको आपको क्या करना है, होमवर्क में करना है, ठीक है। पहले जो मैंने क्वेश्चंस आज आपको करा रखे हैं वो पहले करिएगा, एक बार रिपीट करिएगा, खुद से ट्राई करिएगा। जब वो क्वेश्चंस आप ट्राई कर लीजिएगा, उसके बाद ये क्वेश्चंस, पांच क्वेश्चंस को आपको क्या करना है, करना है, जो आपका होमवर्क है। तो बच्चे जो नेक्स्ट क्लास होगी वो मेरी बीआरएस की लास्ट क्लास होगी, उसमें मैं ये चैप्टर फिनिश कर दूंगा, ठीक है। तो चलो बच्चे आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, तो थैंक यू गाइस, सी यू, टाटा, गुड नाइट, बाय बाय।